So hey guys, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk about locomotion and movement in one shot. So this is one of the most important chapters from human physiology and सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम हमारी human physiology को complete करने वाले हैं. So what we have done till now in the whole syllabus, उसकी एक बार थोड़ा सा आपको generalized overview दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे students video के लिए search करते रहते हैं and they were not able to found some sort of videos. So मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से chapters मैंने यहाँ पर complete कर दिए हैं. अगर आप बात करें systematics की, that is the unit 1 of 11th class. अगर आप systematics की बात करें, यानी कि आपका लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल एंड प्लांट किंगडम, तो ये चारों के चारों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं. इट मीन्स दैट द यूनिट वन इज कंप्लीटेड. आफ्टर दैट अगर आप सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाली यूनिट की बात करें, यानी चैप्टर सेल, चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल इटसेल्फ, तो ये तीनों के तीनों चैप्टर्स भी आपके पूरे हो चुके हैं, यानी दिस यूनिट इज ऑल्सो कंप्लीटेड. ओके, इसके बाद अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो आज आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसके सातों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे. अगर आप ट्वेल्थ क्लास की बात करें तो ट्वेल्थ क्लास में जो आपका रिप्रोडक्शन यूनिट है, रिप्रोडक्शन के स्टार्टिंग के चारों चैप्टर्स यानी कि पूरी यूनिट खत्म हो चुकी है. अगर आप बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी की जो दोनों यूनिट्स हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं. यानी आउट ऑफ द 10 यूनिट्स इन योर होल सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड 5 यूनिट्स फुल्ली. इसके अलावा भी हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये एक जो आपका टॉपिक है ये हम पूरा कर चुके हैं. एनाटमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने फ्रॉग जो है आपको पूरा डिटेल में करा दिया है. अर्थवॉर्म और कॉकरोच आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा. अदर देन दैट, हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी के दो चैप्टर्स कर लिए हैं. वी हैव डन द फोटोसिंथेसिस एंड वी हैव डन द रेस्पिरेशन. सो दीज टू चैप्टर्स आर ऑल्सो कंप्लीटेड. ओके, सो ये चार चैप्टर्स हम लोग अलग से कर चुके हैं अदर देन द कंप्लीटेड यूनिट्स. अगर आप ट्वेल्थ क्लास की बात करें, देन आई हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सो ये जो है आपका एक दो दिन लगेंगे, इसमें आप डिटेल से भी कंप्लीट करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं. इस पर मैं मार्क नहीं कर रहा क्योंकि जब तक कोई चीज 100% ना हो जाए उसको हम अनमार्क्ड ही छोड़ेंगे. अदर देन दैट, आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से. अदर देन दैट, योर स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये वाला जो चैप्टर है आपका ट्वेल्थ क्लास का, ये बहुत अच्छे से हो चुका है. एंड योर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका डिटेल में हो चुका है. यानी 50% सिलेबस होने के बाद भी अदर देन दैट वी हैव कंप्लीटेड 1 chapter 2 3 4 5 6 चैप्टर, यानी 6+ चैप्टर जो है हम और कर चुके हैं अदर देन 50% सिलेबस. तो आप लोग देख रहे हैं कि सिलेबस इज एट गुड पेस. सो हमारा जो टारगेट था वो 20 अप्रैल का था. ओके, अगर हम कुछ टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे तो 20-21 हो जाएगा यहां पर, लेकिन आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि इस डेट तक जो है आपको अपना सिलेबस कंप्लीट होकर मिल जाए. जो हम डिटेल में कर रहे थे उसको हम थोड़ा बाद में सोचेंगे, लेकिन हाँ, जो आपके वन शॉट वीडियोस हैं वो आपको 20th अप्रैल तक कंप्लीट मिल जाएंगे. ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें बिकॉज वी आर सिंसियरली वर्किंग फॉर यू. और जिस तारीख का मैंने आपको वादा किया था उससे एक दो दिन यार ऊपर नीचे, वो ह्यूमन नेचर है, बिकॉज मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ या फिर हो सकता है मुझे कोई खुद का पर्सनल काम भी आ जाए. तो एक दो दिन की अगर आप मुझे एडवांटेज दें तो बाकी आपका सिलेबस आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने प्लेलिस्ट है. यू कैन गो एंड यू कैन चेक आउट दैट हाउ रेगुलरली वी आर मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट. सो अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए. ओजोन क्लासेस नाम से आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा. इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो मी अप ऑन विपिन शर्मा बायोलॉजी, विच इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. एंड अगर आपने मेरे नए चैनल नर्चरिंग ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए. द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. प्लीज सब्सक्राइब माई न्यू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम दैट चैनल एज वेल. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले जरूरी क्या है? जरूरी है उसके नाम में घुस जाना. सो बिफोर स्टार्टिंग लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली. हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि क्या ये वर्ड सेम है या अलग, लेकिन ये दोनों जो है इनमें काफी डिफरेंसेस हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंसेस, जिससे आप इन वर्ड्स को करेक्ट जगह पर ही इंप्लीमेंट करें और यूज करें. पहली बात है लोकोमोशन. ओके, एंड सेकंड जो चीज है वो है आपकी मूवमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स सो दैट हमें पता लगे कौन सा वर्ड कहां पर यूज होना चाहिए. लोकोमोशन को याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक दे रहा हूं जो आप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे. लोकोमोशन मींस लोकेशन. दोनों के अंदर जो स्टार्टिंग तीन अल्फाबेट्स हैं दे आर ऑब्वियसली कॉमन. सो लोकोमोशन मींस व्हेन द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज गेटिंग चेंज्ड.
अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्लांट अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली नहीं, इट मींस दैट द प्लांट इज नॉट शोइंग लोकोमोशन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या प्लांट के सेल के अंदर चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, तो आप बोलेंगे यस, द प्रोटीन्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू नो साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस, द आरएनए इज कमिंग आउट फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्पोनेंट्स विच आर गेटिंग रीशफल्ड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये सारी जो चीजें रहती हैं इन्हें आप मूवमेंट में कंसिडर कर सकते हैं। यानी मूवमेंट का मतलब है किसी भी चीज का मोशन में आना, उसको लोकोमोशन से आप लिंक कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। जैसे कि आई एम मूविंग माई हैंड लाइक दिस, दिस इज मूवमेंट बिकॉज आई एम मूविंग माई हैंड। सो मैं ये नहीं बोल रहा माई हैंड इज लोकोमोटिंग, समझ रहे हो? अगर मैं अपनी जगह चेंज करता हूं, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ माई रूम टू द नेक्स्ट कॉर्नर, देन आई एम शोइंग द लोकोमोशन एंड मूवमेंट साइमल्टेनियसली, क्योंकि मेरे पैर मूव कर रहे हैं, मेरे हाथ, मेरी बॉडी मूव कर रही है और लोकोमोशन तो हो ही रही है। So, यहां पर मैं दोनों वर्ड्स को साथ साथ यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं अभी इस स्टेट की बात करूं, दिस इज मूवमेंट नॉट लोकोमोशन। अगर मैं इस स्टेट की बात करूं, दिस इज मूवमेंट नॉट लोकोमोशन। अगर मैं इस स्टेट की बात करूं, दिस इज मूवमेंट नॉट लोकोमोशन। अगर मैं अपने सेल की बात करूं, तो मेरे सेल में अभी ऑर्गेनेल्स का रीशफलिंग जो है चल रहा है, साइक्लोसिस चल रहा है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जो आपका सेल है उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, ये क्या करता है? घूमता रहता है। सिंस इट इज फ्लूइड इन नेचर, ये क्या करता है? घूमता रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग। एंड दिस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस इन द साइंटिफिक लैंग्वेज। इसे आप लोग जो है साइक्लोसिस का नाम देते हो। साइक्लोसिस से क्यों बोला? बिकॉज प्रोटोप्लाज्म इज मूविंग इन अ साइकिल। ओके, ये जो है आपका राउंड राउंड घूमता रहता है। सो साइक्लोसिस इज अ मूवमेंट, लेकिन इससे आपका पूरा का पूरा प्लांट जो है मूव तो नहीं करने लग गया, सो इट इज नॉट अ लोकोमोशन। अगर मैं अपना मुंह ये जबड़ा हिलाता हूं, देन दैट इज गोइंग टू बी मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ माय जॉ, दैट इज आल्सो मूवमेंट, बट दैट इज नॉट द लोकोमोशन ऑफ माय जॉ। ओके, अगर मैं अपनी टंग को मूव करता हूं खाना खाने के लिए, सो द मूवमेंट ऑफ टंग इज गोइंग टू बी द मूवमेंट ओनली, बट नॉट द लोकोमोशन। अगर मैं बात करूं अपने हाथ की, अगर मैं अपने हैंड एंड लेग मसल्स को बैठे बैठे ही स्ट्रेच कर रहा हूं, देन इट इज नॉट लोकोमोशन, इट इज गोइंग टू बी द मूवमेंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि लोकोमोशन के स्टार्टिंग अल्फाबेट देख लो, लोकोमोशन में लोकेशन चेंज होती है। दैट इज द सिंपल थिंग बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द होल रेफरेंस। ओके, सो मूवमेंट जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी सिग्निफिकेंट चीजें होती हैं, एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शुड मूव। ओके, आई एम सेइंग शुड मूव, इट मींस दैट उनके अंदर जो सेल्स होंगे उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोकैरियोट भी है, एक बैक्टीरिया भी है, उसके सेल में यार सेल डिवीजन के टाइम पे ऑर्गेनेल्स रीशफल हो रही है, आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, फिर वो दो अलग अलग कॉर्नर्स पे पहुंच जाएगा। ओके, आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर दो अलग अलग कॉर्नर्स पे पहुंच जाएगा, एंड आफ्टर दैट द सेल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। तो यहां पर रीशफलिंग हुई ना चीजों की, ये भी तो एक तरीके का मूवमेंट है। So, movement is characteristic feature of all living organisms, not the locomotion, क्योंकि plant locomote नहीं करते। Okay? And there are a lot of organisms which used to possess the sedentary lifestyle, जो कि basically एक जगह पर रहकर अपना पूरा जीवन बसर कर देते हैं, so उसको आप लोग locomotion में consider नहीं कर सकते। So, animals and plant exhibits wide range of movements. The movements can be because of the streaming of protoplasm, जो कि हमने देखा, इसे आप cyclosis बोलते हो। Okay? ओके, तो अमीबा जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें सिर्फ स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ही देखने को मिलता है। सिलिया और फ्लैजेला जो आपके सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन थे, इनसे भी जो है आपका मूवमेंट हो सकता है। सिलिया क्या करेंगे? सिलिया भी आपके मूव करते हैं, प्लस फ्लैजेला भी जो है ये भी वाटर करंट को उसकी मोशन को बरकरार रखता है। देन जो टेंटेकल्स है आपके हाइड्रा वगैरह के, ये प्रे कैप्चरिंग में काम करते हैं, बट प्रे कैप्चरिंग में काम करने के लिए दे नीड टू मूव, राइट? सो टेंटेकल्स आर ऑल्सो गोइंग टू शो सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। In case of human beings, we can move our limbs just like this, we can move our jaws, we can move our tongue, and we can move our eyelids as well. So all these kind of things are movement. Lekin locomotion ka matlab kya hai? Jab hamari location mein change ho. Jaise agar hum chal rahe hain, then we are changing our location. If we are running, we are changing our location again. If we are climbing, we are going up from the downward direction. If the birds are flying, okay, don't try to do this at home, okay? और स्विमिंग जब आप करते हो तो भी आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हो। सो ऑल दीज आर सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट, क्योंकि यहां पर लोकेशन चेंज हो रही है। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वही स्ट्रक्चर होंगे जो आपकी मूवमेंट में आपको हेल्प कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल,
मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा था? आपके लिम्स, द लिम्स आर ऑल्सो हेल्पिंग यू आउट फॉर द लोकोमोशन. ओके, अब हर मूवमेंट का ऑर्गन आपको लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर सकता, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस. अगर आपके सेल में रीशफलिंग हो रही है तो उसकी वजह से आप लोग जो है मूव नहीं कर पा रहे. इफ यू आर मूविंग योर जॉ, इट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम दिस प्लेस टू समवेयर एल्स, राइट? सो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में आपको देखनी पड़ेंगी. हर मूवमेंट का ऑर्गन आपको लोकोमोशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मूवमेंट का कोई ना कोई ऑर्गन ही आपको लोकोमोशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस. जैसे कि इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज लिम्ब. सो लिम्ब्स आर मूविंग, दे आर वर्किंग इन मूवमेंट, दे आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क इन द लोकोमोटरी डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, तो पैरामीशियम के ऊपर क्या रहता है? सिलिएटेड बॉडी रहती है पैरामीशियम की, कुछ इस तरीके की आपकी बॉडी रहती है. ओके, इस तरीके की नहीं, राउंड नहीं रहती, इस तरीके की आपकी थोड़ी स्ट्रिएटेड बॉडी रहती है, विच इज कवर्ड बाय द सिलिया. और इसके पास एक साइटोफेरिंग्स होता है, विच इज वर्किंग एज अ गलेट. ओके, एक कैविटी यहां पर रहती है, विच इज कॉल्ड एज द गलेट. सो यहां पर क्या हुआ, पैरामीशियम के जो सिलिया है ये इसकी मूवमेंट में तो हेल्प करते ही है कि हाँ भाई, फूड अगर साइटोफेरिंग्स से नीचे जा रहा है इन द बॉडी, देन दे आर वर्किंग इन मूवमेंट, बट दे आर ऑल्सो वर्किंग इन लोकोमोशन, क्योंकि इन सिलिया की हेल्प से जो है पैरामीशियम अपनी पूरी बॉडी को भी मूव कर सकता है. सो सिलिया एयर आर वर्किंग इन लोकोमोशन एज वेल एज इन द मूवमेंट. हाइड्रा जो है, हाइड्रा में हमने देखा था टेंटेकल्स होते हैं, विच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे. सो ये जो है लोकोमोशन में भी काम कर सकते हैं. सो कैप्चरिंग ऑफ प्रे इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट, बट लोकोमोशन मतलब वो अपनी बॉडी के पोस्चर को भी चेंज कर सकता है, बॉडी के यू नो पूरे के पूरे बॉडी को उठाकर दूसरी जगह पर भी ले जा सकता है, दैट इज लोकोमोशन. इन केस ऑफ ह्यूमंस हमारे जो लिम्ब्स हैं दोस्तों, वो हमारे बॉडी पोस्चर को भी चेंज करने में काम आते हैं, यानी कि मूवमेंट में एज वेल एज लोकोमोशन में भी. सो इससे हमें पता लगता है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है सेपरेटली नहीं पढ़े जा सकते. वी हैव टू रीड बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. ओके, सो दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, सिर्फ लोकोमोशन नहीं है. सो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट. अगर आप अपनी बॉडी का प्लेस चेंज कर रहे हो, इफ यू आर चेंजिंग द लोकेशन ऑफ योर बॉडी, ऑब्वियसली सारी की सारी चीजें मूव कर रही है. सो सारे लोकोमोशन में मूवमेंट जरूर होगी, लेकिन मूवमेंट से लोकोमोशन हो जाए जरूरी नहीं है. इट इज वेरी ऑब्वियस, आई एम मूविंग माई जॉज राइट नाउ, बट आई एम नॉट मूविंग. ओके, आई एम मूविंग माई जॉज ओनली, आई एम नॉट मूविंग माई बॉडी. इट मीन्स दैट मैं सिर्फ मूवमेंट शो कर रहा हूँ जॉज की, मैं लोकोमोशन शो नहीं कर रहा. मैं सिर्फ अपने हाथ की मूवमेंट शो कर रहा हूँ अभी, मैं चल के दूसरी जगह पर नहीं गया. सो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज 100% गारंटी वाली स्टेटमेंट. बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू. सम मूवमेंट्स कैन बी लोकोमोशन, जैसे कि मेरे पैर की अगर मैं मूवमेंट खड़े होकर करने लग जाऊं, सो दैट इज गोइंग टू बी द लोकोमोशन. सो अब हम यहां पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की. ओके, सो मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स. जाहिर सी बात है, अगर एनिमल्स आपके मैराइन वाटर में लिव कर रहे हैं या फिर एक्वेटिक है अगर, देन दे आर गोइंग टू स्विम. सो लोकोमोशन की स्ट्रैटेजी उसमें स्विमिंग होगी. लेकिन आप टेरेस्ट्रियल हैं, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग ऑन लैंड, सो वी आर यू नो क्लाइंबिंग टाइप ऑफ एनिमल्स, वी आर यू नो रनिंग और वॉकिंग टाइप ऑफ एनिमल्स, एज वेल एज ऑन द डिमांड ऑफ सिचुएशन. आप नॉर्मल केस में चलते हो, लेकिन कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप भागने भी लग जाते हो. सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर लोकोमोटरी स्किल्स. सो लोकोमोशन हम लोग करते क्यों हैं? फॉर द सर्च ऑफ फूड, ओके, फॉर द सर्च ऑफ शेल्टर, फॉर द सर्च ऑफ मेट, ओके, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स यानी कि सेफ जगह पाने के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए भी आपकी, इसे हम माइग्रेशन बोलते हैं अगर आपको याद हो तो, एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रेडेटर्स, अपने आप को दरिंदों से बचाने के लिए भी. नाउ टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट. सो हियर वी नीड टू कंसिडर दैट इट इज नॉट लोकोमोशन. ओके, इट इज नॉट लोकोमोशन. और सेकेंड चीज हो सकती है, इट मे बी लोकोमोशन बट इट नॉट मस्ट बी लोकोमोशन. ओके, समझने की कोशिश करो, ये जो मूवमेंट है ये लोकोमोशन नहीं भी हो सकती, लोकोमोशन हो भी सकती है, दोनों केसेस हैं यहां पर. सो हम देखते हैं किस किस केस में लोकोमोशन होगी, किस किस केस में नहीं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज अमीबॉइड मूवमेंट, द सेकेंड वन इज सिलियरी मूवमेंट, एंड द थर्ड वन इज मस्कुलर मूवमेंट. हमारी बॉडी की अगर हम बात करें, सो अमीबॉइड मूवमेंट कहां पर होती है? अमीबॉइड मूवमेंट होती है कुछ फैगोसाइटिक सेल्स में, कुछ इंपॉर्टेंट फैगोसाइटिक सेल्स में, जैसे कि आपके मैक्रोफेजेस. इफ दिस इज द मैक्रोफेज सेल एंड दिस इज द पैथोजन, देन दिस मैक्रोफेज सेल इज गोइंग टू शो द अमीबॉइड मूवमेंट्स, और ये सूडोपोडिया बनाकर जो है इस आपके पैथोजेनिक पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा. एंड इफ इट इज गोइंग टू एनगल्फ दिस पैथोजेनिक
particle, it is going to break it down into pieces, it will going to chop the body of this pathogen into pieces, और उसके बाद इसको जो है body से eradicate कर दिया जाएगा. So the macrophages are very important tools, are very important weapons for the immune response. ये आपके immune response का बहुत ही important जो है element है. As well as leukocyte, which simply consist your WBC. Okay, WBC को आप लोग जो है basically leukocyte बोलते हो. So यहाँ पर भी काफी अलग-अलग type के cells थे, granulocyte, agranulocyte, basophils, eosinophils, neutrophils. वहाँ पर भी आपको काफी तरीके की amoeboid movement देखने को मिलती है. Because your neutrophils were also phagocytic. Your monocytes were also phagocytic. So phagocytosis के लिए जरूरी क्या है? Phagocytosis के लिए जरूरी ये है कि आप pseudopodia बनाए और फॉरन पैथोजन को अंदर एंगल्फ कर ले, उसकी बॉडी को चॉप करें इनटू पीसेस एंड आफ्टर दैट जो है आप उसे बॉडी से बाहर भगा दें. सो ये जो चीजें रहती है आपकी ब्लड में, इनमें अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलती है. सो इज दिस गोइंग टू बी लोकोमोटरी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं और ह्यूमंस में ये जो सेल है इनके मोशन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. ये अपने ब्लड में तैरती रहेंगी लेकिन इसकी वजह से हम मूव हो जाए इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज नॉट लोकोमोशन एनी हाउ. ओके, तो यहां पर जो है सूडोपोडिया बनते हैं, यानी आपके फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म. आपका प्रोटोप्लाज्म जो है अपनी शेप बदलेगा और उसकी वजह से सूडोपोडिया बन जाएगा, जैसा कि अमीबा के केस में बनता है. ओके, और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स यानी जो आपके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जिन्हें आप प्यार से एक्टिन भी बोलते हो, ये जो आपके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं दोस्तों, ये अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं. बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिजिडिटी विच इज रिक्वायर्ड. ओके, चीजें मूव कैसे करेंगी? सेल के सरफेस पे कोई मूव करने के लिए कोई मैट्रिक्स तो होनी चाहिए ना. दैट काइंड ऑफ फाइबर इज प्रोवाइडेड बाय द एक्टिन फिलामेंट. जैसा कि नाम में ही है फिलामेंट, तो ये आपके फाइबर या रोप लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर जो है ऑर्गेनेल्स आराम से मूव कर सके. समझ लो एक जगह है, एक सरफेस है जिसके ऊपर ग्रीस लगी हुई है, देन यू विल नॉट बी एबल टू मूव इन दैट पर्टिकुलर एरिया इजिली. आप ग्रीस पे मूव नहीं कर सकते, बट इफ देर इज अ मैट विच इज क्वाइट रफ तो उस पर आप चल पाएंगे बिकॉज आपकी ग्रिप बन जाएगी. सो टू मेक द ग्रिप इन द सेल, सेल के अंदर कुछ माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपका एक्टिन फिलामेंट. उसके साथ साथ सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने वाले कोलेजन भी होते हैं इनकेस ऑफ एनिमल सेल्स, तो वो भी जो है आपको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनेल्स का मूवमेंट हो सकता है या फिर आपके काफी सारे एलिमेंट्स का मूवमेंट हो सकता है. सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज योर सिलियरी मूवमेंट, यानी विद द हेल्प ऑफ सिलिया. So ciliary movement occur in most of our internal tubular organs. For example, in the trachea. जब आप trachea की बात करें तो यहाँ पे एक ciliated line present रहती है, ciliated layer of epithelial cells present रहती है, जिसे आप कहते हो ciliated epithelium. और वो क्या करती है? अगर समझ लो आपने कोई foreign pathogen engulf कर लिया, then those cilias are going to trap that particle. And after that उसे mucus से coat करेंगे. Mucus से coat करते करते cilia कुछ इस तरीके से move करेंगी कि उस particle को body के बाहर की side तक लाया जा सके एंड आसानी से उसे बाहर फेंक दिया जाए विद द हेल्प ऑफ स्पिटिंग और विद द हेल्प ऑफ यू नो स्नीजिंग एनी हाउ, बट इट कुड बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द बॉडी. लेट से ये आपका ट्रेकिया है, यहां पे सिलिया प्रेजेंट है, यहां पे एक फॉरेन पैथोजन आया. इस फॉरेन पैथोजन को पहले इट इज म्यूकस कोटेड, सो ऑब्वियसली दिस फॉरेन पैथोजन इज कोटेड बाय द म्यूकस. इसके ऊपर एक म्यूकस कोट लगा दिया गया एंड ये सिलिया कुछ इस तरीके से फ्लैटर कर रही हैं, कुछ इस तरीके से मूव कर रही हैं, सो दैट दिस फॉरेन पैथोजन कैन बी टाइड अप. ओके, इसको जो है ऊपर की ओर भेज दिया जा सके. सो ये जो फॉरेन पैथोजन ऊपर की साइड आया है या जो डस्ट पार्टिकल ऊपर की साइड आया है, उसे फिर बाय स्पिटिंग और बाय स्नीजिंग आपकी बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है. सो सिलियरी मूवमेंट जो है ये आपका सिलिएटेड एपिथिलियम में प्रेजेंट होता है. सिलिएटेड एपिथिलियम मींस अ थिन लेयर ऑफ सेल्स जिसके ऊपर सिलिया लगे हुए हैं. यहां पर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया होती है इन ट्रेकिया, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करती है एज वेल एज कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस को जिन्हें हम लोग पैथोजेंस बोल रहे थे, जो कि हम एटमॉस्फेरिक एयर से काफी बार इनहेल कर लेते हैं. सो दैट कैन बी इजीली इरेडिकेटेड. द पैसेज ऑफ ओवा, यू नो वेरी वेल दैट इन फीमेल्स फेलोपियन ट्यूब आपका जो ओवा है उसे ओवरी से लाना पड़ता है आपको एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो दैट ओवा इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द ओवरी थ्रू द फेलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ सिलियाज. So, यहां पर क्या रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो रहता है आपका, यहां पर फेलोपियन ट्यूब जिसे आप कहते हैं या फिर आप जिसे ओविडक्ट कहते हैं, वहां पर सिलिया लगे रहते हैं जो कि ओवम की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. सो नाउ ओवम इज गेटिंग मूव्ड बट नॉट योर बॉडी, सो इट इज ऑल्सो नॉट द लोकोमोशन. बट द मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स,
आवर जॉज, आवर टंग्स, इसमें भी टंग और जॉ वाला है, ये लोकोमोशन नहीं होगा, लेकिन अपनी लिम्स को अगर आप मूव करेंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में तो बेसिकली आप जो है लोकोमोशन देख सकते हो इन सम केसेस, ओके। इसलिए मैंने बोला है अर्थ के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बैठे बैठे अपने लिम्स को हिला रहा हूं देन इट इज नॉट गोइंग टू बी द लोकोमोशन, बट इफ आई एम पुटिंग माई स्टेप्स फॉरवर्ड एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू वॉक एंड आई एम ट्राइंग टू वॉक, तो वहां जो है इसको मैं लोकोमोशन बोलना स्टार्ट कर दूंगा। सो ये जो है मूवमेंट, इसमें आपकी मस्क्यूलर मूवमेंट देखने को आपको मिलती है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज इफेक्टिवली यूज इन लोकोमोशन, मसल्स जो है उनमें कॉन्ट्रेक्शन की प्रॉपर्टी होती है और उस पर यह पूरा का पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, और मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है तभी जाके आपकी मूवमेंट या लोकोमोशन हो पाती है। अगर मैंने सोचा कि मुझे चलना है तो मेरे दिमाग के पास एक सिग्नल जाएगा, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एक सिग्नल जाएगा कि मैं चलना चाहता हूं, और मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेरी ब्रेन है दैट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यू नो एंड द कमांड सेंटर, वो क्या करेगी, वो मेरी मोटर मसल्स के पास सिग्नल भेजेगी दैट यस यू हैव टू वॉक राइट नाउ। सो माई मोटर मसल्स विल बी गेटिंग दैट सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके बाद मैं जो है चलना स्टार्ट कर दूंगा। सो यहां पर जो है वो मसल्स कैसे काम करती हैं, जैसे ही नर्व से सिग्नल आएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड वेन एवर दे आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग दे विल शो अप द मूवमेंट। सो यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो है मसल की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ओके। एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी यहां पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें भी आपके मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन यानी चलने के लिए किस किस चीज में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, पहला आपका मस्कुलर सिस्टम के बीच में बिकॉज योर मसल्स नीड टू कॉन्ट्रैक्ट, योर स्केलेटल सिस्टम के बीच में क्योंकि सिर्फ मसल हैं तो भी आप नहीं चल पाओगे, दोज मसल शुड बी अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम क्योंकि आपकी हड्डियां जब मुड़ेंगी और आपकी हड्डियां जब मोशन शो करेंगी तभी आप लोकोमोट कर पाओगे। सो जाहिर सी बात है स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एंड द थर्ड कोऑर्डिनेशन शुड बी बिटवीन द न्यूरल सिस्टम बिकॉज विदाउट द कमांड ऑफ न्यूरल सिस्टम यू कांट मूव। सो समझ लीजिए ये CNS है, इस CNS से सिग्नल आया मसल्स के पास, तो मसल जो है ये जिस हड्डी से जुड़ी होंगी उसकी हेल्प से ये मूव करना स्टार्ट कर देंगी। सो देयर इज द स्केलेटल सिस्टम, देयर इज द मस्कुलर सिस्टम एंड देयर इज द न्यूरल सिस्टम जिसके बीच में ऑप्टिमम कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होनी चाहिए सो दैट यू कैन लोकोमोट। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है तीन तरीके की मसल्स आपको देखने को मिलती हैं। पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लुक ऑल द थिंग्स इन द लिटरेचर। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इज गोइंग टू बी द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है कुछ इस तरीके की दिखती है और यहां पर जो है आपकी ऑल्टरनेट स्ट्रिएशंस प्रेजेंट रहती हैं, ओके। इसीलिए इसे कहा जाता है स्ट्रिएटेड मसल। स्केलेटल मसल को आप अपने मन मुताबिक मूव करवा सकते हैं और दैट्स वाई इन्हें कहा जाता है वॉलेंट्री मसल ऑल्सो। वॉलेंट्री मीन्स आप अपनी इच्छा से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन माई हैंड आई एम गोइंग टू कंट्रोल देम ऑन माई ओन। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं ये सिंगम का स्टेप करूं मैं तो ही कर पाऊंगा। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू माई डिजायर। इट मीन्स दैट आई एम कंट्रोलिंग माई स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरीली। सो ये जो है आपके वॉलेंट्री मसल्स हैं, इनको मैं अपने हिसाब से मूव कर सकता हूं। द सेकेंड टाइप ऑफ मसल आर गोइंग टू बी द स्मूथ मसल। इनका नाम स्मूथ मसल क्यों है, क्योंकि इनमें ऐसी स्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंट, ये बिल्कुल स्मूथ होती हैं आपकी, इनमें बीच में कोई भी झमेला प्रेजेंट नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट स्मूथ मसल इज दैट दे आर अनस्ट्रिएटेड, ये बात हो चुकी है। सेकेंड, स्मूथ मसल आपके स्मूथ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगी जो कि इनवॉलेंट्री होंगे। समझ लो आपकी बॉडी में जो खाना जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, यू आर नॉट मूविंग दैट, ओके। खाना कैसे जा रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है, आप उसमें रेनिन को कोई एक्शन नहीं दे रहे कि हाँ भाई डाइजेस्ट हो जा या फिर डाइजेस्ट कर, समझ रहे हो ना। मतलब आप पेप्सिन जो है वो ऑटोमेटिकली, दीज आर ऑटोमेटिक प्रोसेस विच आर कंट्रोल्ड बाय योर ओन बॉडी, आपको सोचना नहीं पड़ता। आपने खाना खा लिया, आप लोग अपने काम पे लग गए, अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज इनवॉलंटरी थिंग। देन द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स दैट यू नीड टू हैव अ लुक ऑन इज द कार्डियक मसल। कार्डियक का मतलब ही क्या रहता है, कार्डियक का मतलब रहता है हार्ट। सो हार्ट में काफी सारी जो मसल्स रहती हैं इनके बीच में इंटरकनेक्शंस भी प्रोवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द टू मसल्स लेट्स से, सो इनके बीच में इंटरकनेक्शंस होंगे सो दैट दे कैन
कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल यूनिट, ये जो आपके कनेक्शंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर कॉल्ड एज इंटरकैलेशंस। इंटरकैलेशंस क्योंकि यहां पर आपका पूरा का पूरा हार्ट मसल जो है एक साथ यू नो पंप करने की कोशिश करता है ब्लड को, तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है उसको एनहेंस किया जा सकता है बाय दीज कनेक्शंस। और यहां पर भी आपके स्ट्रिएशंस आपको मिलेंगे, सो द कार्डियक मसल इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्ट्रिएटेड। लेकिन हार्ट जो है आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक हमेशा धड़कता रहता है, सो इट इज ऑटो एक्साइटेबल क्योंकि इसके पास एस ए नोड है विच इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट। और यहां पर क्या है, यहां पर आपकी एक्साइटेबिलिटी है, प्लस दिस इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री क्योंकि आप खुद नहीं कह रहे हार्ट को रोज सुबह उठकर कि भाई धड़क, ये अपने आप धड़क रहा है। सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रिएटेड एंड दिस इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री, प्लस इसके बीच में काफी सारे कनेक्शंस भी प्रेजेंट है जो कि इसको ओवरऑल एज ए यूनिट धड़कने में हेल्प करते हैं। सो यहां पर जो बेस्ड ऑन द लोकेशन तीन तरीके की जो है आपके मसल्स देखे जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल जो कि आपके बोन सिस्टम के साथ जुड़ी होंगी, तभी इसका नाम रखा है स्केलेटल मसल क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। सेकंड वन इज विसरल मसल और द स्मूथ मसल जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। एंड द थर्ड वन इज योर कार्डियक मसल विच इज प्रेजेंट इन योर हार्ट स्पेसिफिकली। सो स्केलेटल मसल की अगर आप बात करें, दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बॉडी, इट मीन्स दैट दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द बोन्स एंड द कार्टिलेजेस। दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस जो कि हम देख चुके हैं, यहां पर स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं। ड्यू टू दिस स्ट्रिप्ड अपीयरेंस इन्हें स्ट्रिएटेड मसल कहा जाता है और ये वॉलेंट्री होती हैं क्योंकि हम इनको खुद कंट्रोल कर सकते हैं ओके अपनी डिजायर के बेसिस पर। सो ये जो है इनका मेन काम रहता है लोकोमोशन में क्योंकि अपने स्केलेटल को ही हम लोग यूज करते हैं चलने के लिए और बॉडी पॉस्चर को चेंज करने के लिए। सो दिस इज अबाउट द स्केलेटल मसल। नाउ विसरल मसल इज द सेकेंड टाइप। विसरल मसल जो है आपके इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं जिनको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि फूड कहां से कहां पहुंचा, आपका उस पर कोई चेक नहीं है, वो अपने आप जा रहा ऑटोमेटिकली, आपकी बॉडी सब कंट्रोल कर रही है, यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट कॉन्शियसली ओके। सो दीज आर कॉल्ड एज द विसरल मसल्स। यहां पर जो है आपके जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, दैट इज हैविंग विसरल मसल्स। They do not exhibit any striations, तो इन्हें इसलिए कहा जाता है smooth muscles या फिर non-striated muscle, क्योंकि striations नहीं है तो ये एकदम smooth दिखाई देती हैं, okay? इसलिए इन्हें smooth muscle कहा गया। Now these activities are not under the voluntary control, क्योंकि हम इन्हें check नहीं कर सकते, हम इन्हें control नहीं कर सकते, so these are not under the voluntary control, इसलिए इन्हें involuntary muscle कहा जाता है। फॉर example, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जहां जहां पर जो जो डाइजेस्टिव इवेंट हो रहा है उसको करने के बाद वो आगे बढ़ता चला जाता है। एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट इज ऑल्सो नॉट इन योर कंट्रोल, कि हाँ भाई आपके यू नो टेस्टिस से होते हुए आपके स्पर्म को कहां पर आना है, यूरेथ्रा से इजैकुलेट होना है, दैट इज नॉट समथिंग विच यू आर कंट्रोलिंग, दैट इज ऑटो कंट्रोल्ड प्रोसेस। सो यहां पर ये जो है आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ओके। एंड द थर्ड वन is going to be the cardiac muscle. तीसरा आपका cardiac muscle होता है। So cardiac muscle cells में जो है आपका branching pattern आपको देखने को मिलता है because they are interconnected by intercalations जो कि मैंने आपको बताया। यहां पर भी आपकी striations present होती हैं but ये आपके involuntary हैं because you are not giving any instruction to the heart to contract. Okay? It is doing all the things by its own. So जाहिर सी बात है यहां पर जो है ये striated और involuntary muscles होती हैं। ओके, सो पीछे कुछ छूट गया है उसे ले लेते हैं यार कंसिडरेशन में। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 जो कि हम पढ़ चुके हैं भगवान की दया से, तो ये समझने में आसानी होगी, दैट सिलिया एंड फ्लेजेला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सही बात है, फ्लेजेलर मूवमेंट जो होती है वो स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ में हेल्प करती है, बिल्कुल सही बात है। स्पर्म का अगर आप स्ट्रक्चर देखें देन इट इज गोइंग टू बी द एक्रोसोमल टिप, या आपका हेड है जिसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बाद आपका मिडल पीस प्रेजेंट है जिसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंड पीछे आपकी टेल है which is a flagellum, okay? और ये जो है आपकी movement में help करती है। So यहाँ पर बिल्कुल सही बात लिखी गई है कि flagellar movement जो है ये आपके swimming of spermatozoa में help करती है। And in the maintenance of water current in canal system in sponges, sponges में आपने देखा था कि canal system present था। This is the ostium, okay? ये छोटे-छोटे जो pores थे इन्हें आप ostium बोल रहे थे। इसके बाद आपका main central cavity थी जिसको आप लोग बोल रहे थे spongocele। So, ये जो स्पंजोसील है, ये स्पंजोसील भी आपकी फ्लैजेलेटेड थी, इसके अंदर जो है आपके काफी सारे
इस तरीके से एक्सटेंशंस लगे हुए थे जो कि वाटर करंट को एनहेंस करते थे, एंड दिस इज द ऑस्क्युलम जिससे पानी बाहर निकल जाता था. सो दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम इन केस ऑफ स्पंजेस, जिन्हें आप पॉरीफेरा कह रहे थे, एनिमल किंगडम की सबसे जो है लेस डेवलप्ड फाइलम. एंड लोकोमोशन इन प्रोटोजोवंस लाइक यूग्लिना. सो यूग्लिना में आपने देखा था यूग्लिना की बॉडी कुछ इस तरीके थी, और इसमें जो है इस तरीके से आपके फ्लैजेलम्स प्रेजेंट थे. तो यूग्लिना जो है उसमें भी आपका फ्लैजेला जो है मूवमेंट में हेल्प करता है. सो मसल्स इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच इज मेसोडर्मल इन ओरिजन. सो मसल जो है आपके मेसोडर्मली डेराइव्ड होते हैं, और 40-50% वेट जो होता है आपकी बॉडी का, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मसल्स. तो हमारे मन में एक मिसकंसेप्शन है दैट मोस्ट ऑफ द वेट इज कैरिड आउट बाय यू नो योर बोन्स, बट इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि 40-50% जो है वो आपका मसल्स का होता है. काफी सारे ऑर्गन्स जो है और आपके मस्कुलर पार्ट जो है उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, और इसके अलावा आपके फ्लूइड्स वगैरह भी प्रेजेंट रहते हैं जिनका अच्छा खासा वेट देखने को मिलता है. अदर देन दैट देर आर वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स. सो बोन जो है आपकी अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो आप इन दोनों चीजों को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मसल का वेट जो है देख रहे हैं आप लोग, इट इज क्वाइट हाई. ओके, सो दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी. जैसा हमने देखा था, इट कैन बी एक्साइटेड. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ मेम्ब्रेन. जो आपका मसल फाइबर रहता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी रहती है जिसको आप लोग कहते हो सार्कोलेमा. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर ये आपका सेल है तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है या जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्यार से हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलेमा. इट इज इट सेकेंड नेम. जब ये प्लाज्मोलेमा आपकी प्रेजेंट होती है मसल सेल में, तो आप इसे कहते हो सार्कोलेमा. जो आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, उसे आप मसल फाइबर के अंदर कहते हो सार्कोप्लाज्म. नॉट द साइटोप्लाज्म बट द सार्कोप्लाज्म. ओके, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पे न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड प्रेजेंट रहता है, उसे आप मसल फाइबर में आप कहते हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नॉट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें बहुत सारे मोस्ट अबंडेंट कैल्शियम जो है यहां पर पाए जाते हैं. ये कैल्शियम की अबंडेंसी है, कैल्शियम का इसे आप बैंक बोल सकते हो. तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज टू स्टोर अ लॉट ऑफ कैल्शियम आयंस विच आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. क्योंकि जो आपका एक्टिन है उसके ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन. उस ट्रोपोनिन को हटाने का काम करता है आपका कैल्शियम. जब कैल्शियम आपके रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उस ट्रोपोनिन पर जाकर हमला कर देते हैं और उसे खींच लेते हैं, जिससे कि आपके जो एक्टिन फाइबर है उसकी एक्टिव साइट्स जो है एक्सपोज हो सके. समझ लो दिस इज एक्टिन, ये मैं ऊपर बना रहा हूं, समझ लो दिस इज एक्टिन. दो जो स्टैंड्स है आपस में बाइंड होते हैं, तो यहां पर समझ लो दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, जहां पर मायोसिन जो है बाइंड करना था. तो एक्टिन एंड मायोसिन आर टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिनके इंट्रैक्शन जरूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. सो मसल में एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट रहते हैं. सो इनका बाइंड होना बहुत जरूरी है. सो दिस इज द साइट जहां पर मायोसिन आके बाइंड करेगा. पर इस साइट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपकी टोपी प्रेजेंट है, आपकी कैप प्रेजेंट है, जिसे आप लोग कह रहे हो ट्रोपोनिन. सो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुए, कैल्शियम क्या करती है इस टोपी को लेकर फरार हो जाती है. सो दैट ये जो साइट है अब आपकी एक्सपोज हो गई, मायोसिन इस पर आकर बाइंड कर सकता है. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी सार्कोलेमा है, इस सार्कोलेमा में अगर आप कोई सिग्नल भेजोगे, तो जस्ट लाइक द नर्व इम्पल्स इज गेटिंग ट्रांसमिटेड इन द न्यूरीलेमा. जो आपने न्यूरॉन में पढ़ा था कि न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हो जाता है, सिमिलरली ये जो सार्कोलेमा है ना भाई, ये सार्कोलेमा उस नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर कर देगी. एंड दैट्स वाई आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उसे न्यूरल सिग्नल तो चाहिए ही. वो न्यूरल सिग्नल जो है बहुत अच्छे तरीके से आ पाएगा सेल में, जस्ट बिकॉज ऑफ सार्कोलेमा. सो दीज सेल्स आर शोइंग द एक्साइटेबल नेचर. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ओके, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट तो होगी, उसके ऊपर तो हम पूरा पढ़ने वाले हैं टॉपिक, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी होगी. एक्सटेंसिबिलिटी, अब कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो एक्सटेंड भी होगी, यानी कि इलास्टिक होती है मसल. ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है. सो इट इज गोइंग टू हैव एक्सटेंसिबिलिटी. एंड द फोर्थ वन इज इलास्टिसिटी. यानी अगर यहां पे एक्साइटेबिलिटी और इलास्टिबिलिटी भी लिख दिया होता, इलास्टिसिटी भी लिख दिया होता, तो भी काम चल जाता, बिकॉज इलास्टिसिटी मींस कि ये कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच हो सकती है. ओके, सो एक ही बात थी. सो मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया.
अलग अलग क्राइटेरिया पे मसल को हम बता सकते हैं, जैसे लोकेशन, लोकेशन के बेस पे हमने देखा कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल, अपियरेंस के बेसिस पर वेदर दे आर स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड। सो स्ट्रिएटेड में आपके आ जाएंगे स्केलेटल और कार्डियक, नॉन स्ट्रिएटेड में आ जाएंगे आपके स्मूथ, एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन कि किस तरीके का उनका रेगुलेशन है, न्यूरॉन्स उसमें किस तरीके से रोल अपना अदा कर रहे हैं, न्यूरल मस्कुलर जंक्शन कैसे बन रहा है। इन ऑल दीज बेसिस द मसल्स कैन बी डिवाइडेड। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के बेसिस पे है जो हमने देख लिया, स्केलेटल, स्मूथ एंड द कार्डियक। नाउ लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल। अब स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं, ओके, जिससे हम बाद में कॉन्ट्रेक्शन को समझ पाए। सो ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स, जिसको आप फेसिकल बोलते हो। सो काफी सारे जो बंडल्स हैं, पैरेलली अरेंज्ड बंडल्स, ये बंडल्स आपके मिलकर क्या बनाते हैं, ये बंडल्स आपके मिलकर टोटल मसल बनाते हैं। सो एक जो आपकी मसल है, उस मसल को बनने के लिए काफी सारे मसल बंडल्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द बंडल्स, जिन्हें आप बोल रहे हो फेसिकल्स। दीज आर हेल्ड टूगेदर बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। इनके बीच में जो है आपके कोलेजन लगे रहते हैं, ओके, विच प्रोवाइड्स द रिजिडिटी एंड द स्ट्रेंथ। तो ये जो है इन्हें बाउंड करके रखेंगे। सो जो कोलेजन का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू है, ये इन्हें साथ में जोड़ता है, ओके, कॉल्ड एज फेशिया। यानी ये जो फेशिया है, ये इनको जोड़ने का काम करेगी। सो दिस इज द होल मसल, ओके, ये है आपका मसल बंडल, ओके, बंडल को जोड़ने का काम जो कर रहा है, ये कर रही है आपकी फेशिया, विच इज अ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, और बंडल को आप लोग क्या बोल रहे हो, फेसिकल। अब इस बंडल के अंदर और भी डिवीजन होंगी, ओके, सो बंडल के अंदर क्या होगा, ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। यानी ये जो बंडल्स हैं, इनके अंदर मसल फाइबर्स और भरे होंगे, विच आर अगेन द इन द पैरेलल ओरिएंटेशन। ये अगेन इस तरीके से आपके दिखाई देंगे। सो आपका इस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा। यानी सबसे बड़ी आपकी क्या है, मसल, मसल बने हुए हैं मसल बंडल से, ओके, मसल बंडल जिन्हें आप बोल रहे हो फेसिकल्स, ये जुड़े हुए हैं फेशिया की हेल्प से, और बंडल्स के अंदर प्रेजेंट है आपके मसल फाइबर्स। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, ओके, अब इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, आगे से होकर आते हैं। द मसल फाइबर्स इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सार्कोलेमा। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि मसल फाइबर में नाम अलग हो जाएंगे। जो आपको प्लाज्मोलेमा है वो सार्कोलेमा हो जाएगी, जो साइटोप्लाज्म है वो सार्कोप्लाज्म हो जाएगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन स्टोर होंगे, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। सही बात है। मसल फाइबर इज सिंसिटियम। सिंसिटियम मैंने आपको क्या बताया था, सिंसिटियम आपको बताया था मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो यहां पर क्या होगा, मसल फाइबर जो है उसमें काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द सिंसिटियम, जिसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियाई बनते हैं। और काफी सारे न्यूक्लियाई कैसे बने, आपका न्यूक्लियस डिवीजन हो गया पर सेल डिवीजन नहीं हुआ। समझ लो दिस इज अ सेल। इन दिस सेल आपने सेल को वादा किया कि भाई आप न्यूक्लियस डिवाइड कर लो, फिर हम सेल डिवाइड कर देंगे। दिस इज द नॉर्मल केस वेयर वन सेल गेट कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर सेल्स, बट हियर दिस सिंगल सेल गॉट इट्स न्यूक्लियस डिवाइडेड बट द सेल वॉज नॉट डिवाइडेड। सो अब क्या हुआ, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए। अब इन सेल को फिर से ये झांसा मिला कि भाई आप फिर से दोबारा डिवाइड करने की कोशिश करो, तो इसने फिर दोबारा डीएनए रेप्लिकेट कर लिया, इट गॉट फोर न्यूक्लियस बट स्टिल द सेल नॉट गॉट डिवाइडेड। सो ओवरऑल यहां पर क्या है, आपकी सिंसिटियम की जो कंडीशन है ये आपको दिखने लग गई, आपको पता लग गया कि भाई ये डिवाइड नहीं करने वाला, ये तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन करवा के ही छोड़ेगा। सो हाउ डज द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज अराइज्ड व्हेन द न्यूक्लियस गॉट डिवाइडेड बट नॉट द सेल, ओके। सो आपका कैरियोकाइनेसिस हुआ बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ओके, अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में बोले तो। सो सार्कोप्लाज्म जो है इसमें काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग बोलेंगे, जो कि स्टोर हाउस है आपके कैल्शियम आयंस का, जो कि आपका बहुत हेल्प करेगा किसमें, ट्रोपोनिन पे बाइंड करेगा, हम लोग देख चुके हैं, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है आपके मसल फाइबर का, वो है प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स। ये थोड़ा बाद में करेंगे, पहले डायग्राम देख के आते हैं, जिससे कि हम लोग पीछे का सारा खत्म कर दें। सो दिस इज द मसल, ओके, यहां पर हम लोग मसल की बात कर रहे हैं। अब इस मसल में हमने क्या बोला, मसल में हमने बोला काफी सारे मसल बंडल्स हैं, काफी सारे बंडल्स हैं। सो ये आपका हो गया बंडल, ओके, बंडल के अंदर जो फेशिया है, दिस इज कनेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर।
ओके ये जो बंडल है इनको फेशिया कनेक्ट कर रही थी, हम लोग देख रहे थे दिस बंडल्स आर कॉल्ड एज द फेसिकल्स, और ये जो फेसिकल है ये फेसिकल है इनको बीच में कनेक्ट कर रहा था आपका कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। ओके सो इनको आपने फेसिकल बोला या मसल बंडल बोला, ओके विच आर कनेक्टेड टुगेदर। नाउ इन मसल बंडल के अंदर पैरेलली क्या क्या अरेंज्ड है, पैरेलली आपका अरेंज्ड है मसल फाइबर जिसको आप लोग मसल सेल बोलते हो। सिंस इट इज अ मसल सेल तो यहां पर आपका क्या होगा, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी इसे आप बोलेंगे सार्कोलेमा, अंदर के तामझाम को आप लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, और अंदर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे आप बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बात हुई थी। तो सार्कोलेमा यहां पर क्या बोला हुआ है, ये जो आपका मसल फाइबर है इसके ऊपर जो कोटिंग है इसको सार्कोलेमा बोल रखा है, और यहां पर ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, इट मींस दैट इट इज वस्कुलर, मसल्स ऑब्वियसली वस्कुलर होती हैं, सो उसमें कोई डाउट है नहीं। सो दिस वॉज द डायग्राम दैट यू नीड टू पॉन्डर ऑन। नाउ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर, यानी कि हम लोग अब मसल सेल पर पहुंच चुके हैं, इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो जो मसल फाइबर है इसमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड एज मायोफिलामेंट्स। मायो का मतलब होता है मसल, यानी कि मसल फाइबर के अंदर भी काफी फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें आप मायोफिलामेंट बोलेंगे या मायोफाइब्रिल्स बोलेंगे, बिकॉज दीज आर मसल फाइब्रिल्स और मसल फिलामेंट्स। सो आपने यहां पर देखा जो मसल है इट इज कंटेनिंग अ लॉट ऑफ मसल बंडल्स विच आर कॉल्ड एज मसल फेसिकल्स जो फेशिया से कनेक्टेड थे, एंड देन उनके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट थे और फाइबर्स के अंदर भी पैरेलली अरेंज आपके मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, ये आपने अभी तक देखा। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, क्योंकि हमने यहां पर देखा था स्ट्रिएशंस वगैरह होती हैं। सो अगर आप ऐसे देखें तो यहां पर अल्टरनेट आपको डार्क बैंड दिखाई दे सकते हैं और अल्टरनेट आपको लाइट बैंड्स दिखाई दे सकते हैं। इट मींस दैट द थिंग दैट आई एम ड्रॉइंग राइट नाउ आर द डार्क बैंड्स, और इनके बीच का जो स्पेस है वो आपका लाइट बैंड है। ये आपका डार्क बैंड है, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, और ये जो आपका लाइट एरिना है दिस इज लाइट बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड एंड सो ऑन। ओके सो इनमें अलग अलग प्रोटीन्स जो है आपके प्रेजेंट रहते हैं और इनका नाम भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अ डिटेल्ड स्टडी ऑन मायोफाइब्रिल हैज एस्टेब्लिश्ड दैट द स्ट्रिएटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जिनकी हम बात कर रहे थे, एक्टिन और मायोसिन, जिनका इंटरेक्ट होना जरूरी था फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन, राइट। सो एक्टिन जो है और मायोसिन जो है इनकी वजह से ये लाइट और डार्क अपीयरेंस आती है। तो डार्क में कौन है और लाइट में कौन है ये याद करते हैं। लाइट बैंड जो है आपके ये वाले, ये जो लाइट बैंड है, अब इनके नाम में देखो सेकंड अल्फाबेट देखना है आपको, लाइट बैंड का सेकंड अल्फाबेट क्या है, आई। सो इसे आप लोग आई बैंड भी बोलते हो, यानी आप इसे आइसोटोपिक बैंड भी बोलते हो। ओके सो यहां पर लिखा हुआ भी होगा कि जो लाइट बैंड है इसे आप आई बैंड बोलते हो या आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हो, क्योंकि इसके अंदर एक्टिन प्रेजेंट होता है। सो एक्टिन में भी आई जो है काफी पहले आता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मायोसिन। तो आप याद कर सकते हो लाइट का मतलब आई, सेकंड अल्फाबेट एंड आइसोटोपिक, और यहां पर एक्टिन प्रेजेंट होता है बिकॉज एक्टिन में आई जो है आपका पहले आ रहा है। अपोजिट अगर आप देखें डार्क, तो डार्क का सेकंड अल्फाबेट देखो ए, तो इसे आप बोलते हो ए बैंड, यानी कि एन आइसोट्रॉपिक बैंड, और यहां पर जो है आपका मायोसिन अगर आप देखें तो यहां पर आपका आई जो है थोड़ा बाद में आता है, यहां पर आई जो है आपका फोर्थ अल्फाबेट है, यहां पर फिफ्थ अल्फाबेट है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि डार्क बैंड में आपका मायोसिन प्रेजेंट रहेगा और इसे एनाइसोट्रॉपिक बोलेंगे, लाइट बैंड में आपका एक्टिन प्रेजेंट रहेगा और इसे आइसोट्रॉपिक या आई बैंड हम लोग बोलेंगे। ओके वेयर एज द डार्क बैंड इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक एंड इट कंटेन्स मायोसिन, ये बात हो चुकी है। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, यानी ये जो आपका मायोफाइब्रिल है जिसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स हैं, ये डार्क और लाइट बैंड है किस वजह से, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। सो दोज एक्टिन एंड मायोसिन आर नॉट एग्रीगेटेड लाइक दिस कि यहां पर सिर्फ मायोसिन है, यहां पर सिर्फ एक्टिन है, यहां पर सिर्फ मायोसिन है एंड सो ऑन, ऐसा नहीं है, वो पैरेलली अरेंज होते हैं। काफी जगह पर दोनों चीजें प्रेजेंट रहती हैं, काफी जगह पर सिर्फ आपका मायोसिन प्रेजेंट रहता है, इस हिसाब से आपकी जो है चीजें दिखाई देती है। तो जहां पर भी मायोसिन है, मायोसिन इतना मोटा होता है, इतना थिक होता है, इसीलिए उसे थिक बैंड भी बोलते हैं। मायोसिन इतना मोटा होता है कि जहां पर वो प्रेजेंट है वहां पे तो भाई डार्क ही डार्क होगा, वहां पे आपको डार्क पैटर्न दिखाई देगा। ओके और जहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है वहां पर आपको लाइट बैंड दिखाई देगा। सो एक्टिन फिलामेंट्स आर क्वाइट थिनर, जो हम कह चुके हैं, क्योंकि मायोसिन जो थे आपके, ये आपके बहुत थिक थे,
तो इसीलिए एक्टिन को थिन फिलामेंट कहा जाता है और मायोसिन को आपका थिक फिलामेंट कहा जाता है रेस्पेक्टिवली। सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, यानी आई बैंड लाइट बैंड जो है उसके सेंटर को क्या कहा जाता है, उसका सेंटर जो है उसे जेड लाइन बोला जाता है, विच बाइसेक्ट्स इट। यानी आपका जो ये लाइट बैंड है, ओके, इस लाइट बैंड का जो सेंटर है इसे आप लोग बोलोगे जेड लाइन, और ये जेड लाइन इस लाइट बैंड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। बाइसेक्ट करने का मतलब रहता है दो बराबर हिस्सों में तोड़ देना। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन, और जो आपके थिन फिलामेंट यानी एक्टिन होते हैं, क्योंकि एक्टिन लाइट जोन में तो सिर्फ एक्टिन ही प्रेजेंट होगा ना भाई, सो लाइट जोन में जो एक्टिन प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली जेड लाइन से जुड़े हुए होंगे, बिकॉज जेड लाइन इज बाइसेक्टिंग इट, तो एक्टिन कहीं ना कहीं इस थिन जेड लाइन से जुड़े हुए होंगे। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टूगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड ऑफ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज एम लाइन। सो मायोसिन के जो बीच में, थिक बैंड के जो बीच में लाइन प्रेजेंट है सेंटर पे, ये वाली लाइन, इसको आप लोग एम लाइन बोलोगे, और जो आपका लाइट जोन के सेंटर पे लाइन प्रेजेंट थी उसे आप लोग जेड लाइन बोल रहे थे। ओके, सो ए एंड आई बैंड जो है आर अरेंज्ड अल्टरनेटली, लाइट डार्क एंड सो ऑन, जैसा कि हमने बनाया है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स, ये बात बिल्कुल जनरल थी। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, जो दो सक्सेसिव जेड लाइन्स होंगी, यानी ये आपका लाइट बैंड के बीच की जेड लाइन, ये आपकी लाइट बैंड के बीच की जेड लाइन, इन दो जेड लाइन्स के बीच का जो गैप है, ओके, इसे आप लोग बोलते हैं सार्कोमेयर, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो दो जेड लाइन के बीच की जो यूनिट है इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आप लोग बोलते हो, जिसका नाम सार्कोमेयर है। मेयर का मतलब क्या होता है, यूनिट, ओके, पॉलीमर, मोनोमर आप पढ़ते हो ना, तो वहां पे एंड में क्या आता है, मर, मर का मतलब होता है यूनिट, विच इज कमिंग हियर ऑल्सो। ओके, सो इन द रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलैप एंड फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज एज जोन। तो ये अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, ये मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। ओके, सो ये मैं भी यार फॉर्मेलिटी कर रहा था, यहाँ पे पढ़ के बताना सब डायग्राम में ही होता है। ओके, अब आपको ठीक से समझ में आएगा। देखो यार, ये है आपका मोटा भाई, ये वाला जो आपका डार्क रेड है, ये जो है आपका मोटा जोन है, और ये जो मोटा जोन है इसको आप लोग क्या बोलते हो, ये जो मोटा भाई है इसको आप लोग कहते हो मायोसिन। ओके, इसको आप लोग कह रहे हो मायोसिन। ये जो आपका कंपैरेटिवली पतला है, ये वाला जो आपका इंटरवाउंड है, दो स्ट्रैंड्स आपको अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं जो आपस में गुथे हुए हैं, इसको आप लोग बोलते हो भाई एक्टिन, विच इज द थिन फिलामेंट। सो यहां पर इसे आप लोग बोल रहे हो एक्टिन। ओके, अब आप देख रहे हो कि ये जो आपका एक्टिन है, ओके, ये एक्टिन दोनों साइड्स में है। सो जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, यानी कि ये वाला रीजन, क्योंकि इसके बाद तो यहां पे मायोसिन स्टार्ट हो गया ना, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, तो इसे आप लोग बोलोगे आई बैंड। आई बैंड क्यों बोला, बिकॉज इट इज द लाइट बैंड, और लाइट बैंड क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था जहां पे मायोसिन का एक टुकड़ा भी आ गया वो उसे डार्क बैंड में कन्वर्ट कर देगा, वो उसे लाइट बैंड नहीं रहने देगा। सो लाइट बैंड में सिर्फ एक्टिन, ओनली एक्टिन, विदाउट एनी डिस्कशन, आपको ये चीजें याद करनी है, ओनली एक्टिन यहां पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि मायोसिन आपका मोटा है, वो तो भाई दिखने लग जाएगा और वो डार्क अपीयरेंस दे देगा इसे। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज आई बैंड। अब ये जो इतना बड़ा आपका आई बैंड है, इसको आप दो टुकड़ों में बांटेंगे तो आपको सेंटर पे लाइन खींचनी होगी, दिस सेंट्रल लाइन जो कि काले कलर से खींची गई है, ये जो आपके आई बैंड को दो बराबर टुकड़ों में बांटती है इसे आप लोग क्या कहते हैं, जेड लाइन। नाउ सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एन आई बैंड, जो हमने दूसरी साइड देखा सेम आई बैंड यहां पे है, सो दिस इज ऑल्सो अ जेड लाइन, ये जो काली वाली है ये भी यहां पर जेड लाइन है। अब इन दो जेड लाइन के बीच का, दो जो नियरेस्ट जेड लाइन रहती है इनके बीच के हिस्से को आप लोग क्या कहते हैं, सार्कोमेयर, विच इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको यहां पर समझना था। अब जो मायोसिन है स्टार्टिंग फ्रॉम एम, जो मायोसिन है ये आपका डार्क बैंड है भाई, अब ये आपका ए बैंड है, जहां पे मायोसिन प्रेजेंट है वो ए, बिना किसी डिस्कशन के मायोसिन जहां पे हुआ डार्क अपीयरेंस दे देगा, क्योंकि इतना मोटा है वो आपको डार्क ही दिखाई देगा। सो जहां पे भी आपको मायोसिन दिख रहा है, जहां पे सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, उसे आप लोग ए बैंड बोलेंगे पूरे के पूरे को। और ए बैंड को सेंटर से काटने वाली जो लाइन रहती है वो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, बट इसमें गिवन नहीं है डायग्राम में, इसे आप कह रहे थे एम लाइन, ओके, जो आपकी थ्योरी में हमने पढ़ी थी।
इसे आप एम लाइन बोल रहे हैं। यहां पर एक ऐसा जोन जहां पे सिर्फ और सिर्फ मोटा फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, बिकॉज यहां पर आपने देखा जो ए बैंड होता है, दिस ए बैंड और दिस डार्क बैंड इज फॉर्म्ड बाय द कंस्टिट्यूशन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। यहां पे क्या हुआ, आपका मायोसिन भी प्रेजेंट था और उसके साथ साथ एक्टिन भी थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, बिकॉज कॉन्ट्रेक्शन के लिए जरूरी है। जब कॉन्ट्रेक्शन होगा ना, मसल कॉन्ट्रेक्शन, तो ये जेड लाइन पास पास आ जाएंगी। कहां तक आ जाएंगी, ये वाली जो लाइन है ये खिसक के यहां तक आ जाएगी, यहां तक पूरा टकरा जाएगी मायोसिन से, क्योंकि अब मायोसिन को तो पिचका नहीं सकती ना, ये मोटा फ्रेगमेंट है। तो यहां पर क्या हुआ, ये वाली जेड लाइन यहां तक आ जाएगी, तो आपका सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा। सार्कोमेयर जो आपका पहले इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, अब वो आपका कितना हो गया, अब वो सार्कोमेयर आपका सिर्फ और सिर्फ इतना हो गया, इतना। सो सार्कोमेयर यूज टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। अब एक मसल फाइबर काफी सारे सार्कोमेयर्स का मिलकर बना हुआ है, ये तो सिर्फ एक यूनिट है, तो पूरी मसल बहुत छोटी हो जाती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, एंड एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन वो पीछे चली जाती है और अपना नॉर्मल साइज और शेप जो है वो गेन कर लेती है। ओके, सो ए बैंड हमने क्या कहा, ए बैंड में जितना भी आपको मायोसिन दिख रहा है, चाहे वो ओवरलैप्ड हो नॉन ओवरलैप्ड हो, सारा का सारा आपका ए बैंड में आता है। लेकिन जो प्योर मायोसिन है, प्योर मायोसिन, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसको आप लोग एच जोन बोलते हो। ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है जहां पे एक्टिन जरा सा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन के प्योर फ्रेगमेंट ही आपको दिखाई दे रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां पर क्या देखी, आई बैंड क्या है, आई बैंड इज समथिंग जहां पर सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है। आई बैंड को बीच में से काटने वाली लाइन को जेड लाइन बोला, दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को सार्कोमेयर बोला। एम लाइन जो है वो क्या करेगी, आपके ए बैंड को बीच में से काटने का काम करेगी। ए बैंड क्या है, जहां पर मायोसिन प्रेजेंट है, ओवरलैप्ड या नॉन ओवरलैप्ड, सारा का सारा, और ऐसी जगह जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसको एच जोन बोला। ओके, दिस इज समथिंग जो कि आपको याद रखना है। अब ये वाला देख लो, ये वाले आपके इस तरीके से डार्क बैंड दिखाई देते हैं आपको, अगर आप यू नो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वगैरह देखो तो आपको ये सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी। बल्कि मसल सेल तो काफी बड़ा होता है, उसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, नॉट बाय द नेकेड आइज बट वाय सम यू नो गुड माइक्रोस्कोप। और यहां पर जो है आपकी जेड लाइन दिखती है, तो ये आपकी जेड लाइन आपको दिखाई दे रही। तो ये जो है आपका दो जेड लाइन के बीच का फासला, ये आपका सार्कोमेयर हो गया, उसके बीच में आपके ऑल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड हो गए। ये वाला आपका डार्क है, इसके बीच में ये जो जोन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका मोटा फाइबर है, दिस इज कॉल्ड एज एच जोन। और ये वाला जो पूरा है इसे आप लोग कह रहे हैं ए बैंड, और ये वाला जो आपका इलाका है इसे आप लोग कह रहे हैं आई बैंड। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, जो आपके एक्टिन और मायोसिन है, अब उनका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहली बात, जो एक एक्टिन रहता है वो थिन फिलामेंट होता है, विच इज मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन्स, यानी ये जो आपका एक एक टुकड़ा है इसे आप लोग बोलते हो जी एक्टिन, विच इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर मतलब सिंगल ग्लोब्यूल, यानी माता माता कह रहा हूं, जो माला होती है उसका एक छोटा सा मोती जो है वो है आपका जी एक्टिन। जब ये जी एक्टिन काफी सारे जुड़ जाते हैं, बिकॉज जी एक्टिन हैज अ पावर ऑफ पॉलीमराइजेशन, सो दिस जी एक्टिन यूज टू पॉलीमराइज विद अदर जी एक्टिन्स टू फॉर्म अ गुड फिलामेंट। और ये जो पूरी फिलामेंट बनी है, एफ फॉर फिलामेंट, सो इसे आप लोग बोलेंगे फिलामेंटस एक्टिन। सो ये जो पूरा आपका जो माला बनी है इसे आप बोल रहे हैं वन एफ एक्टिन, विच इज फॉर्म्ड अप ऑफ मैनी जी एक्टिन। ओके, और ये जब एफ एक्टिन है, ये दूसरे एफ एक्टिन से जब टकराएगा और उसके साथ वाउंड हो जाएगा, इंटरवाउंड हो जाएगा, तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, इसे आप लोग बोलेंगे आपका एक्टिन फिलामेंट। सो एक्टिन फिलामेंट में क्या होता है, दो फिलामेंटस एक्टिन्स प्रेजेंट रहते हैं, और हर फिलामेंटस एक्टिन जो है वो आपका जी एक्टिन का मिलकर बना रहता है। ओके, सो दिस रेड वन इज योर एक्टिन। नाउ इसके पैरेलली क्या जाता है, इसके पैरेलली एक और भाई हमारा जो है इसका हाथ बटाता रहता है, और वो जो हाथ बटाता है वो है दो फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन नहीं है, ट्रोपोमायोसिन, याद रखना है। तो ट्रोपोमायोसिन ऑलरेडी इंटरेक्ट करता रहता है एक्टिन से, सो एक्टिन के पीछे पीछे जो है इस तरीके से भागता रहता है पैरेलली कौन, आपका ट्रोपोमायोसिन। सो दिस रेड वन इज द एक्टिन, एफ एक्टिन, और ये जो है ये आपका ट्रोपोमायोसिन का स्टैंड है। सो दिस इज द स्टैंड ऑफ ट्रोपोमायोसिन। अब यहां पर जो एक्टिन होता है, एक्टिन के ऊपर देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसे आप ट्रोपोनिन बोल रहे थे, जो मैंने आपको बोला था कौन हटाएगा, कैल्शियम आके हटाएगा। सो जो ट्रोपोनिन है ये जगह जगह पर प्रेजेंट रहता है ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिन के पास जो एक्टिव साइट है
जहां पर मायोसिन का बाइंड करने का अड्डा है उस मायोसिन के बाइंड करने के अड्डे को कवर करके रखता है जिससे कि मायोसिन बाइंड ना कर पाए, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है गुंडे आते हैं फिर बाद में, जिनका नाम है कैल्शियम, और जो कैल्शियम नाम के गुंडे हैं ये इसको पीट कर भगा देते हैं सो दैट द मायोसिन कैन इंटरैक्ट। ओके, सो ट्रोपोनिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, ओके, ऑन द ट्रोपोमायोसिन। यहां पर ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है, ट्रोपोमायोसिन के साथ जो है ये इंटरैक्ट करते हैं, इसीलिए ट्रोपोमायोसिन आपका एक्टिन के साथ साथ चला जा रहा है। सो अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई, इसको थोड़ा सा मिटा के दोबारा अच्छे से बनाते हैं बिकॉज काफी सारे कलर्स हमने यूज कर लिए तो थोड़ी यहां पर गड़बड़ी हो गई। अब इनको सिंगल स्टैंड के फॉर्म में देखते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट बेटर। सो सबसे पहले हम हमारा फेवरेट कलर ले लेते हैं यार, चलो इस बार ब्लैक उठाते हैं। समझ लो दिस इज द एक्टिन, दिस इज द एक्टिन। अब हमने क्या किया, अब हमने इस एक्टिन के ऊपर डाल दिया ट्रोपोमायोसिन जो कि इसके पैरेलली चलता है। ओके, सो दिस इज द ट्रोपोमायोसिन स्ट्रैंड। सो जहां जहां पर भी मायोसिन की बाइंड करने की साइट थी एक्टिन पे, समझ लो ये जो ब्लैक वाला है एक्टिन है, यहां पर आपका मायोसिन की बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट थी, यहां पर एक्टिव साइट थी, यहां पर एक्टिव साइट थी और यहां पर एक्टिव साइट थी, लेट्स से दीज आर द फोर एक्टिव साइट्स टू बाइंड विद द मायोसिन। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर दोस्तों आपका ट्रोपोमायोसिन आकर बाइंड कर लेगा, किस पे आकर बाइंड कर लेगा आपका, ओके, ट्रोपोनिन आकर बाइंड कर लेगा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, यानी इस रेड वाले स्ट्रैंड के ऊपर। सो ओवरऑल ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ने इसकी एक्टिव साइट को कवर कर लिया है। अब ये कवर हटेगा कब, ये कवर हटेगा तब जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आएगा और इसे हटाएगा, जब इसे हटाएगा तो ये साइट जो है एक्सपोज हो जाएगी, और जब ये साइट एक्सपोज होगी तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका मायोसिन हेड बाइंड कर जाएगा, और जब आपका मायोसिन का हेड बाइंड कर जाएगा तो फर्दर आपकी कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस वॉज द मेन थिंग, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें यहां पर देखनी थी। ऑल राइट, सो ट्रोपोमायोसिन जो है उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ओके, यानी ट्रोपोनिन जो है एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स को मास्क कर लेता है जो तो ये हो गया आपका एक्टिन का स्ट्रक्चर। एक्टिन में आपने क्या क्या देखा, एक्टिन में है आपका काला वाला एक्टिन स्ट्रैंड, ये वाला आपका ट्रोपोमायोसिन स्ट्रैंड और ये आपका ट्रोपोनिन प्रोटीन। सो ये जो है आपके साथ साथ जुड़े रहते हैं, ये आपका एक्टिन का स्ट्रक्चर है, एक्टिन प्रोटीन का। अब मायोसिन का स्ट्रक्चर देखो, सो मायोसिन इज द थिक प्रोटीन, सो बेसिकली इसका हेड रहता है जो ऊपर आया रहता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट आर्म। सो जो हेड है वो क्या करता है, उस हेड के पास दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं। द वेरी फर्स्ट यूनिट, द वेरी फर्स्ट साइट इज टू बाइंड विद द एक्टिन। ये जो एक्टिन है जहां पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी, तो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है तो मायोसिन ही तो बाइंड करेगा ना इस पे, तो मायोसिन के पास भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स रहती हैं जो यहां पर आकर इंटरैक्ट कर सके इस पर्टिकुलर साइट पर। ओके, और इसके नीचे एटीपीएज एक्टिविटी के लिए आपकी एटीपी ब्रेकिंग साइट रहती है बिकॉज दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये आपका एक्टिव प्रोसेस रहता है, तो यहां पर एटीपी का टूटना जरूरी है। सो मायोसिन हेड के अंदर ये जो दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये प्रेजेंट रहती हैं। सो मायोसिन इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन जस्ट लाइक द यू नो एक्टिन वन। सो यहां पर जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं, जो कि आप जी एक्टिन बोल रहे थे इन केस ऑफ एक्टिन, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है इनको आप लोग बोलते हो मैरोमायोसिन। ओके, मैरो, तो यहां पर वर्ड आ गया मर, मर का मतलब अगेन यूनिट्स। ओके, जैसे आप मोनोमर पॉलीमर बोलते हो, सो इट इज मर। सो मर मायोसिन जो रहते हैं वो बेसिकली आपके यूनिट्स का काम करते हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स का काम करते हैं, विच कंस्टिट्यूट्स वन थिक फिलामेंट। अब ये जो मैरोमायोसिन है इसके दो कॉम्पोनेंट होते हैं, अगर आप एक मैरोमायोसिन की बात करें, अगर आप एक मोनोमेरिक यूनिट की बात करें, देन इट हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द ग्लोबुलर हेड जो कि शॉर्ट आर्म से अरेंज होता है। सो ये ग्लोबुलर हेड जिसकी हमने बात करी, ये शॉर्ट आर्म से अरेंज हो जाएगा। सो दिस इज द हेड, दिस इज द शॉर्ट आर्म एंड दिस इज द टेल, टेल जो कि आपकी स्ट्रैंड में प्रेजेंट रहती है। ओके, सो यहां पर क्या रहता है, फॉर्मर बींग हैवी इज कॉल्ड एज हैवी मैरोमायोसिन, यानी ये जो हेड और शॉर्ट आर्म का पार्ट रहता है इसे आप हैवी मैरोमायोसिन बोलते हो बिकॉज हेड जो है आपका काफी बल्की रहता है, काफी सारी साइट्स यहां पर प्रेजेंट रहती हैं, और दूसरा जो आपका टेल है वो लाइट रहता है, सो इसे आप लाइट मैरोमायोसिन
बोलते हो. ओके, द हैवी मेरोमाइसिन कॉम्पोनेंट दैट इज द हेड एंड द शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पॉलीमराइज मायोसिन. यानी समझ लीजिए मायोसिन का आपका स्ट्रैंड है. सो इस मायोसिन के स्ट्रैंड में से ये हेड जो है टाइम टू टाइम आपके बाहर निकलते रहेंगे. सो द टेल इज गोइंग टू फॉर्म द स्ट्रैंड और जो हेड है ये आपके आउटर साइड में प्रोजेक्टेड होंगे. सो यहां पर ये जो आपको प्रोजेक्टेड पार्ट दिख रहा है दीज आर नथिंग बट दीज आर द हेड ऑफ द मायोसिन. सो जो मीरोमायोसिन है उसके हेड आपको यहां पर देखने को मिलते हैं जो जगह जगह से प्रोजेक्ट आउट हो रखे होते हैं. ऑल राइट, सो ये जहां जहां से प्रोजेक्ट होंगे उसे आप बोलेंगे क्रॉस आर्म. ओके, सो जहां जहां पर हमने लास्ट डायग्राम में देखा इन्हें आप क्रॉस आर्म बोल रहे हैं जहां से उठे हुए रहते हैं. ग्लोबुलर हेड जो है ये काफी एक्टिव रहता है बिकॉज इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी है टू बाइंड विद द एक्टिन एज वेल एज इट हैज द एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन जहां पर ये जाकर उससे इंटरेक्ट कर पाए. अब ये वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. देखो यार एक्टिन में ये आपका जी एक्टिन है जिसने बार 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 पॉलीमराइज होके क्या बना लिया, जिसने बार बार पॉलीमराइज होके बना लिया आपका एफ एक्टिन. और ये जो एफ एक्टिन के दो स्ट्रैंड्स हैं, एफ एक्टिन के जो दो स्ट्रैंड है आपस में कॉइल होके इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने कंप्लीट एक्टिन प्रोटीन बना लिया है. इस एक्टिन प्रोटीन के ऊपर दो स्ट्रैंड्स और हैं जो इनके पैरेलली साथ साथ भाग रहे हैं और वो जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनको आप लोग बोल रहे हो ट्रोपोमायोसिन. और यहां पर जो है ट्रोपोनिन है विच यूज टू कैप विच यूज टू मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फॉर द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन प्रोटीन. सो उसको मास्क करके रखा हुआ है. दूसरा जो है ये आपका मेरोमायोसिन है यानी सिंगल यूनिट. ये आपका टेल पार्ट है जिसको आप लाइट मेरोमायोसिन बोल रहे हो एंड ये आपका हेड है. ओके, और इसके नीचे है, जो है आपकी शॉर्ट आर्म है. इसको आप क्रॉस आर्म तब बोलते हो जब ये उठा हुआ रहता है और पूरे के पूरे स्ट्रैंड से प्रोजेक्ट आउट करता है. इस हेड के ऊपर दो यूनिट्स थी जो आपको पता है. पहली है आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी जो है वो आपको एटीपी को तोड़ने में हेल्प करेगी. दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट और द एटीपी ब्रेकिंग साइट जहां पर आपका एटीपी जो है टूटकर क्या बना लेता है, ये आपका बना लेता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ बोथ ऑफ दीज थिंग्स इंटरैक्ट इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. ओके, सो अब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखने वाले हैं. सो ये आपकी काफी लंबी पड़ेगी आपको. सो अगली जो पांच स्लाइड है वो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे करने वाले हैं. ऑल राइट, सो एक नया हम लोग कलर ले लेते हैं सो दैट इट कुड बी बेटर. राइट, सो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है. स्लाइडिंग फिलामेंट यानी एक फिलामेंट दूसरे के ऊपर स्लाइड होगा. तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने क्या कहा, इसमें ये कहा कि जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है और इस तरीके से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है. सो स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट यहां पर होता है. सो अब हम देखते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है क्या. सबसे पहले द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द CNS वाया मोटर न्यूरॉन. नाउ हाउ डज दिस सिग्नलिंग टेक प्लेस. समझ लो आपके हाथ पे कोई चोट लगी या फिर नॉर्मल सिचुएशन मैं सोच रहा हूं कि मुझे चलना है, वो भी आप एक इंपल्स के तौर पे ले सकते हो, वो आप स्टिमुलस के तौर पे ले सकते हो. सो लेट्स से देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस विच आई हैड. सो इट विल गो टू द सेंसरी न्यूरॉन्स. यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं चीजों को सेंस कर लेते हैं एंड दे यूज टू ट्रांसफर द सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेफरेबली योर ब्रेन. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है एंड इट यूज टू कम वाया द मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन जो हमें काम करने का आदेश देते हैं टू द मसल और टू द ग्लैंड. इट यूज टू कम टू दिस पर्टिकुलर एंड. ओके, सो मोटर न्यूरॉन से होता हुआ हमारे पास सिग्नल जो है आता है और हम उस सिग्नल के अकॉर्डेंस में एक्ट करते हैं. तो समझ लो मोटर न्यूरॉन ने मुझे सिग्नल दिया कि तुम अपने पैर को मोड़ो और चलना स्टार्ट कर दो, तो आई डू दैट. सो मसल कॉन्ट्रेक्शन का जो सिग्नल आता है ये हमेशा CNS से आता है. सो व्हाट इज दैट, यहां पर जो है आपका एक न्यूरॉन प्रेजेंट है लेट्स से विच इज अ काइंड ऑफ यू नो मोटर न्यूरॉन मान लो इसे. सो मोटर न्यूरॉन जो है इसने कहीं से सिग्नल पकड़ा, साइटॉन तक भेजा और एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग्स तक लेके आया. ओके, मैं इतना जल्दी जल्दी ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर. हम लोगों का उल्टे सीक्वेंस में चलने के पीछे एक मकसद था जिससे आप सब कुछ समझ पाओ. केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन सबसे पहले मैंने कराया बिकॉज उसको हमने हर चैप्टर में यूटिलाइज किया है बहुत बेहतर तरीके से. सो यहां पर क्या है, आपके नर्व एंडिंग्स के पास क्या रिलीज होता है, आपका केमिकल विच इज कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर.
न्यूरोट्रांसमीटर विच इज कॉमनली एसिटाइल कोलाइन. सो एसिटाइल कोलाइन जो है यहां पर रिलीज हो जाएगा, ये केमिकल्स यहां पर रिलीज हो जाएंगे एंड दोज केमिकल्स आर गोइंग टू स्टिमुलेट द मसल सेल. यहां पर मसल सेल के पास आकर ये जो केमिकल्स है इस मेम्ब्रेन को, इस सार्कोलेमा को क्या करेंगे, इंड्यूस कर देंगे. यानी जो एक्शन पोटेंशियल है ये सार्कोलेमा पे जनरेट हो जाएगा. अगर सार्कोलेमा पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ये सार्कोलेमा क्या करेगी, सेल के अंदर सिग्नल पहुंचा देगी कि भाई भाई कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल ब्रेन से मिल गया है. अगर सेल के अंदर सिग्नल चला गया तो यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जिसको आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे थे, ये कैल्शियम रिलीज कर देगा इन द सार्कोप्लाज्म. यानी यहां पर कैल्शियम ही कैल्शियम हो जाएगा आपका पूरे सेल में. इतना सारा कैल्शियम होगा दैट दिस कैल्शियम इज गोइंग टू बाउंड विद व्हाट, दैट कैल्शियम इज गोइंग टू बाइंड विद द ट्रोपोनिन. जो आपका कवर है एक्टिन के ऊपर उस ट्रोपोनिन को हटा के भगा देगा. अगर कवर हट गया तो मायोसिन की बाइंड करने की जो एक्टिव साइट्स है एक्टिन के ऊपर वो एक्सपोज हो गई, यानी मायोसिन अब एक्टिन से बाइंड कर जाएगा. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. ओके, सो यहां पर ये जो चीज है होती है, आप देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है. जो मोटर न्यूरॉन है अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट्स द मोटर यूनिट. सो इसको जो है आप लोग मोटर यूनिट बोल रहे हो. ये जो आपका मोटर न्यूरॉन है एज वेल एज जो आपका मसल फाइबर है जिसके पास जो है सिग्नल आ रहा है, इनको आप लोग ओवरऑल एक मोटर यूनिट बोलते हो. बिकॉज दीज आर द इनिशियल कॉम्पोनेंट्स टू एक्ट. आपका नर्वस सिस्टम का लास्ट कॉम्पोनेंट क्या है, आपका मोटर न्यूरॉन. और आपका मसल का फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है, वो मसल फाइबर जिसमें सिग्नल आ रहा है. सो बोथ ऑफ देम आर वर्किंग एज ए यूनिट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मोटर यूनिट, क्योंकि काम करने वाले हैं. ओके, सेंसरी यूनिट वो होती है जो सेंस करने का काम करती है, मोटर यूनिट जो सच में कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो कुछ जलवा दिखाएगी. सो जंक्शन जो होता है बिटवीन अ मोटर न्यूरोन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये सबको पता है, या फिर इसे मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं. जो न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है उसे आप साइनेप्स कहते हैं. लेकिन ये न्यूरॉन और मस्कुलर जंक्शन जो है यहां पर इसे आप क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन, या फिर आप इसे बोलते हैं मोटर एंड प्लेट. सो दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज द मोटर एंड प्लेट. इस मोटर एंड प्लेट में जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं बाय द नर्व एंडिंग्स ऑफ दिस मोटर न्यूरॉन, जो कि बेसिकली है आपका एसिटाइल कोलीन, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है आपके सार्कोलेमा में. नाउ दिस सार्कोलेमा इज क्वाइट डीप. यहां पे जो है मैंने सिंपल स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, समझ लो यहां पर आपके एसिटाइल कोलाइन आए. सार्कोलेमा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है भाई, और यहां पर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या बची हुई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहती है. और ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, इसे कहते हैं हम टी फॉर्म. इसे टी फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि स्ट्रक्चर देखो टी जैसा है. अगर मैं इसको पूरे को ज्वाइन कर दूं तो इट इज गोइंग टू बी अ टी लाइक स्ट्रक्चर, राइट. सो इट इज कॉल्ड एज टी फॉर्म. और टी फॉर्म होता क्यों है, समझ लो यहां पर आ रहे हैं अगर एसिटाइल कोलाइन, तो सिग्नल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाने में देखो कितना टाइम लग रहा है, प्लस हो सकता है सिग्नल रास्ते में लॉस्ट हो जाए, विच इज रियली इलॉजिकल थिंग, बट समझने के लिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर टाइम भी लगेगा और हो सकता है हर इनर पार्ट तक सिग्नल इन्वेड ना कर पाए. लेकिन यहां पर अगर आपका रिलीज होगा तो बिल्कुल भाई प्रॉक्सिमिटी में है, फटाफट सिग्नल आपका दे देगा. और यहां पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये जो है आपका बेसिकली कैल्शियम का जो रिपोजिटरी है, ये जो बैंक है, इससे कैल्शियम बाहर आ जाएंगे. सो दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म. सो ये जो आपका सार्कोप्लाज्म था इसमें कैल्शियम ही कैल्शियम भर जाएंगे, जो हमने देखा. अब कैल्शियम का लेवल अगर इंक्रीज हो गया है तो ट्रोपोनिन पर जाकर ये कैल्शियम बाइंड हो जाएगा और मास्किंग को रिमूव कर देगा. सो यहां पर क्या हो गया, यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस, मायोसिन हैड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस ब्रिज. यानी जो मायोसिन का हेड था इस तरीके का, ओके, दो यूनिट थी ना, दो आपकी एक्टिव एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, दो आपकी एटीपीएस साइट थी. वो जो आपका इस तरीके का सांप जैसा हेड था ये वाला, ये जो है बेसिकली अब इसके पास जो एटीपी है, नीचे एटीपी जो साइट है उस पे एटीपी टूटेगी. सो इट गॉट द एनर्जी, इट गॉट एक्टिवेटेड, एंड व्हेन इट गॉट एक्टिवेटेड इट इज गोइंग टू मूव अप. व्हेन इट इज गोइंग टू मूव अप तो ये चीज के साथ बाइंड हो जाएगा. समझ लो ये मेरा एक्टिन स्टैंड है एंड दिस इज माय मायोसिन नीचे वाला. सो ये जो नीचे वाला मायोसिन है, अगर इसके पास एटीपी आई, एटीपी टूटी तो ये ऊपर मूव कर गया. सो नाउ इट हैज अटैक्ड द एक्टिन, राइट, बोथ ऑफ दीज थिंग्स गॉट अटैच्ड. उसके बाद ये क्या करेगा, ये ऐसे मूव करेगा
समझ रहे हो? पहले क्या हुआ, इट इज इन द रेस्टिंग स्टेट, यहां पर जो ऊपर ट्रोपोनिन प्रेजेंट था वो हट गया, सो नाउ एक्टिन इज फ्री, एक्टिन इज फ्री तो मायोसिन पे एटीपी टूटी, अटैक हो गया, अटैक हो गया। अब इसे स्लाइड करना है स्ट्रैंड को, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा मायोसिन। अगर मायोसिन ने स्टार्ट किया तो जो इनिशियली स्ट्रैंड यहां था ये मूव करके यहां चला गया, सो ऊपर वाले स्ट्रैंड की मूवमेंट हुई ना, दोबारा क्या होगा, एटीपी आपकी अगर ये डिसोशिएट हो जाएगी तो एटीपी आपकी आ जाएगी दोबारा रेस्टिंग स्टेट, दोबारा बाइंड करेगा इसको और आगे भेज देगा। सो बेसिकली देर इज अ सीक्वेंस जहां पर जेड लाइन जो है आपकी पास पास आ जाती है और ओवरऑल सार्कोमेयर की लेंथ जो है आपकी कम हो जाती है, लाइट बैंड की लेंथ जो है आपकी कम हो जाती है, एंड दैट्स हाउ द कॉन्ट्रेक्शन टेक्स प्लेस। ओके, सो यहां पर आप चीजों को देखेंगे हम लोग। ओके, सो यहां पर हम वही दिखाने वाले हैं जो अभी तक आपको मैंने डिपिक्ट कराया है। दिस इज द मायोसिन एंड दिस इज द एक्टिन। अब एक्टिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन प्रेजेंट था वो हट चुका है, सो इट हैज द एक्टिव साइट्स टू बाइंड विद द व्हाट, मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन के ऊपर जो एटीपी था ये एटीपी अब टूट चुका है इनटू एडीपी एंड पीआई, सो व्हाट हैपेंड इज यहां पर ये इसके साथ अटैच नहीं है, एटीपी प्रेजेंट है तो अटैच नहीं है, एटीपी जब टूटा एडीपी और पीआई में तो एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई तो भाई अटैच हो गया यहां पर, और अटैच होने के बाद क्या करेगा, मूव करेगा। सो इफ इट हैज मूव्ड तो यहां पर ये जो अटैचमेंट है इसको आप लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज बिकॉज इट इज ब्रिजिंग द मायोसिन एंड द एक्टिन। सो जो क्रॉस ब्रिज बनी है उसके बाद मायोसिन का जो हेड है ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही मूव किया ऊपर वाला स्ट्रैंड उसके रेस्पेक्ट में खुद भी मूव किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मूव किया तो ऊपर वाला स्ट्रैंड भी जो है इसके रिस्पेक्ट में मूव करने लगा, जब ये आपके एडीपी और पीआई अलग अलग हो गए, और उसके बाद दोबारा जब आपकी नई एटीपी आई तो वो अपने रेस्टिंग स्टेट में था। यानी कि अब एक बार फिर समझते हैं क्योंकि अब हमने डायग्राम देख लिया है, दिस इज द रेस्टिंग स्टेट, एटीपी आई कोई फर्क नहीं पड़ा, एटीपी टूटी, अब भाई मायोसिन हो गया चार्ज, अटैक कर गया, अटैक करने के बाद स्ट्रैंड को इसने मूव कर दिया तो एडीपी और पीआई हट गए, नई एटीपी आई दोबारा अपनी औकात में आ गया, अब नई एटीपी टूटी दोबारा एक्साइट हो गया फिर मुड़ा फिर अपनी औकात में आ गया एंड सो ऑन। दिस इज द फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज विच यूज टू टेक प्लेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, सो क्रॉस ब्रिज जो है आपकी बार बार बनती है, सबसे पहले बनेगी उसके बाद रोटेट होगी क्योंकि मूव हो रहा है मायोसिन हेड, और उसके बाद ब्रेक हो जाएगी जिसके बाद नया आपका सीक्वेंस जो है आ जाएगा। सो यहां पर आखिरी वर्ड क्या था यार, उसको देख लेते हैं। ओके, दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, यानी जो डार्क बैंड था उसके सेंटर की तरफ इन चीजों को खींचने लग जाता है एक्टिन फिलामेंट्स को, यानी कि आपकी जेड लाइंस छोटी हो रही हैं बिकॉज जेड लाइन इज द सेंटर ऑफ लाइट बैंड। सो अगर लाइट बैंड छोटा हो रहा है, एक्टिन अगर पास पास जा रहे हैं ए बैंड के, तो जेड लाइन भी तो पास पास जा रही है ना, सो जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स, वही बात यहां पर कह दी, देयर बाय कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर, सार्कोमेयर आपका छोटा हो गया, इसे आप लोग प्यार से कॉन्ट्रेक्शन बोलते हो। ओके, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ मसल दैट इज कॉन्ट्रेक्शन, जो आई बैंड है ये आपके छोटे हो जाते हैं बिकॉज एक्टिन जो है आपके पास पास आ रहे हैं, सो आपका वो रीजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट था अब वो बहुत कम है क्योंकि अब वो मायोसिन के अड्डे में अटैक कर गया, और मैंने आपको एक चीज बताई थी जहां वो मायोसिन के अड्डे में अटैक किया वहां वो ए बैंड का पार्ट बन जाएगा, वहां वो आई बैंड नहीं रहेगा, बिकॉज आई बैंड सिर्फ आप उसे तब कह सकते हो जब उसमें ओनली एक्टिन हो, लेकिन अब वो क्या किया, अब वो मायोसिन के अड्डे में अटैक कर गया, सो मायोसिन और एक्टिन प्लस वाला जो रीजन था वो क्या था, वो आपका ए बैंड था, और एच जोन क्या था, एच जोन आपका वो था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन था, सो ये आप जानते हैं, तो अब वो इस जोन में अटैक कर गया तो ए बैंड जो है उसके अंदर आ गया वो। सो वेयर एज ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ, ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ा, ए बैंड की लेंथ उतनी रहेगी क्योंकि मायोसिन का जो अड्डा है मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, सो मायोसिन उतना ही है, बस उसमें आपका जो एक्टिन है दोनों साइड से वो आके शिफ्ट हो गया, तो मायोसिन बैंड की लेंथ तो उतनी रही, बाहर की चीजें अंदर आई है, तो आपका आई बैंड छोटा हो गया लेकिन ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ा, सो देयर इज रिडक्शन इन द लाइट बैंड्स लेंथ क्योंकि एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्टिन आपका अंदर की साइड आया है, सार्कोमेयर की लेंथ छोटी हुई है, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बता भी दूंगा, उसमें हमारे पास एक डायग्राम है, बहुत बेहतरीन डायग्राम है। द मायोसिन रिलीजिंग एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू इट्स रिलीज स्टेट। ओके, अगर एडीपी और पीआई हट गया तो आपका रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा, फिर नई एटीपी बाइंड होगी, फिर नई एटीपी जब टूटेगी तो आपका नया क्रॉस ब्रिज बनेगा,
फिर नया क्रॉस पीस बनेगा, फिर नई मूवमेंट होगी, नई मूवमेंट होगी, थोड़ा और शिफ्ट होगा स्टैंड, और उसके बाद वो एटीपी और पीआई हट जाएंगे, फिर रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा, फिर नई एटीपी आएगी, फिर वही बातें होंगी जो हम अभी कर रहे हैं। सो यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पतले बैंड प्रेजेंट है, ये जो है आपका एक्टिन है, ये आपका एक्टिन है, ये आपका एक्टिन है, ये आपका एक्टिन है, और ये जो आपका मोटा बाबा प्रेजेंट है ना, ये वाला, ये आपका मायोसिन है, ये वाला। सो यहां पे जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, ये वाला अड्डा, इसे आप एच जोन बोल रहे हो। जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, इसे आप क्या बोल रहे हो, इसे आप यहां से यहां तक बोल रहे हो ए बैंड। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिन प्रेजेंट है, उसे आप बोल रहे हो आई बैंड। अब क्या हुआ कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, क्या हुआ कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, हम इस वाले को देखेंगे, हम सिर्फ इस पोर्शन को देखेंगे, ओके, क्योंकि दूसरे वाले पे मैंने ऑलरेडी मार्कर चला दिया। अब इस पोर्शन में क्या हुआ, ये जो जेड लाइन थी ये शिफ्ट होकर यहां पर चली गई, ये जो जेड लाइन थी ये शिफ्ट होकर यहां पर चली गई। सो क्या हुआ, ये जो एक्टिन थे ये इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गए, ये एक्टिन इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गए, बट मायोसिन कहीं मूव नहीं किए। सो पहले जो था आपका ए बैंड वो इतना ही था, अब आपके जेड लाइन इस साइड आ गई तो भी आपका ए बैंड तो इतना ही है, यानी आपका ये वाली जगह जो थी ये गायब हो गई, ये गायब हुई है, लेकिन आपकी ये वाली जगह तो एज इट इज सिक्योर्ड है, इसको कोई कुछ नहीं कह पा रहा। फर्दर ये जो है आपका, और जब फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आता है, फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आता है तो पूरा का पूरा जो है आपका ए बैंड बन जाता है, और यहां पर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन हो। अब ये मत बोलना ये वाला है, ये वाला इसमें आगे दिखा नहीं रखा, आपका सिर्फ दो सार्कोमेयर यहां पे कंसिडरेशन में ले रखे हैं। सो यहां पे ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन हो, सो बेसिकली यहां पर आपका क्या है आई बैंड गायब हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन हो गई तो इनिशियली आई बैंड छोटा हो रहा था, छोटा होते होते गायब हो जाएगा और मर्ज हो जाएगा आपके ए बैंड में। सो आपके ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ओके, ए बैंड को यूजुअली कॉन्ट्रेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल्ली कॉन्ट्रेक्टेड स्टेट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना आपको डीप में चीजों को समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह देखना है कि ए बैंड इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, बट द आई बैंड यूज टू गेट रिड्यूस्ड इन साइज एंड द सार्कोमेयर लेंथ ऑल्सो गॉट रिड्यूस्ड इन साइज बिकॉज आपकी जेड लाइन जो है पास पास आ जाती है, जिसकी वजह से सार्कोमेरिक लेंथ जो है कम हो जाती है। सो आपकी जो क्रॉस ब्रिज ब्रेकेज और मेकिंग है वो रिपीट होती रहती है बार बार, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल सी ए आयंस आर पंप्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, यानी आपके बचे हुए जो कैल्शियम है जब तक वो सार्कोप्लाज्म में वापस ना भेज दिए जाए, सॉरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस ना भेज दिए जाए, तब तक जो है आपकी ये प्रोसेस चलती रहेगी। समझ लो अगर आपके कैल्शियम चले गए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो आपके अब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम नहीं बचे, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम अगर नहीं बचे तो आपका ट्रोपोनिन फिर आके बाइंड कर लेगा, ट्रोपोनिन फिर आके अगर बाइंड कर लेगा तो एक्टिन मायोसिन में इंट्रैक्शन नहीं होगा। सो इट इज ऑल द गेम ऑफ कैल्शियम, ओके, कैल्शियम सबका बाप कहलाया भाई इस खेल में, ओके, सो कैल्शियम पे सब कुछ डिपेंड करता है। सो जैसे ही कैल्शियम भाई अपना वापस जाएगा, मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट हो जाएगी, जेड लाइंस अपनी जगह पर वापस चली जाएंगी, ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेंगी, जिसको आप प्यार से रिलैक्सेशन बोलोगे। रिएक्शन टाइम जो होता है अलग अलग मसल फाइबर्स का अलग अलग होता है, वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन उनके अंदर किस तरीके की अरेंजमेंट प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर किस तरीके की सेंसेस प्रेजेंट है, उस पर आपका पूरा का पूरा झमेला जो है डिपेंड करता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जैसा कि नॉर्मली होता है इन द केस ऑफ एक्सरसाइज, इफ यू आर डूइंग द रोबस्ट एक्सरसाइज रिपीटेडली तो बेसिकली आपकी बॉडी में जो है लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और उतनी ऑक्सीजन अगर आपके पास नहीं हुई तो जाहिर सी बात है आपका जो ग्लूकोज है वो एनारोबिक पाथवे में एंटर कर जाएगा। एनारोबिक पाथवे में क्या होता है, जो आपके ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में दो पाइरुवेट बने थे, अब वो दो पाइरुवेट क्या होंगे, ये दो पाइरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में दो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहां से फटाफट आपकी एटीपी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो यहां पर आपका लैक्टिक एसिड जो है जमा होता रहता है, ओके, एंड थोड़ी देर अगर आप आराम कर लेंगे देन दैट लैक्टेट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड बाय योर मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद आपकी थकान जो है दूर हो जाती है। सो लैक्टिक एसिड जो है इसमें एनारोबिकली टूटता है आपका ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज, इससे आपको थकान महसूस होती है। मसल आपके दो अलग अलग तरीके की होती है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच मायोग्लोबिन इट डू हैव। एक रेड कलर्ड का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पिगमेंट है उसका नाम हीमोग्लोबिन है, सिमिलरली ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए जो पिगमेंट है उसका नाम आपका मायोग्लोबिन है। मायो मीन्स मसल,
एंड ग्लोबिन मीन्स इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन. सो मायोग्लोबिन जो है काफी मसल्स में इतना हाई रहता है कि उनकी अपियरेंस रेड हो जाती है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रेड मसल फाइबर्स. ओके, इन रेड मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है. मायोग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्टोरिंग, तो जाहिर सी बात है वहां पर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ज्यादा होंगे. सो दीज मसल्स कंटेन्स अ प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज भी कर सके. ओके, सो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनमें स्टोर्ड होता है, तो ऑक्सीडेटिवली आपकी ज्यादा एटीपी बनेगी, इसीलिए इसमें आपके ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है जो एटीपी बनाने का काम करेंगे. ओके, इसीलिए इनको एरोबिक मसल भी बोला जाता है क्योंकि इनमें ज्यादा मायोग्लोबिन है, ज्यादा ऑक्सीजन है, सो दे आर एरोबिक इन नेचर. ऑन द अदर हैंड दूसरे होते हैं आपके व्हाइट मसल फाइबर. व्हाइट मसल फाइबर जिनमें आपकी जो ये मायोग्लोबिन है इसकी कंसंट्रेशन काफी लेस है, तो ये लाल ना होकर के सफेद आपको दिखाई देते हैं या पेल दिखाई देते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाइट मसल फाइबर्स. दीज व्हाइट मसल फाइबर्स आर नॉट गोइंग टू हैव गुड अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाई? बिकॉज ज्यादा इनमें ऑक्सीजन नहीं होगी क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन ही कम है, तो ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होगी. अगर ऑक्सीजन आपका कम है तो बेसिकली क्या होगा, आपकी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन कम होगी. ऑक्सीडेशन ही कम है तो एटीपी बनने के चांस ही कम होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा ही क्या वहां पे. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन नंबर. हालांकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि इन मसल्स में भी कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी तो होगी. सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर हाई देखने को मिलते हैं और एनारोबिक प्रोसेस यहां पर होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन आपका कम है, तो दैट इज समथिंग रिलेटेबल. ओके, सो यहां पर आपके एरोबिक और अनएरोबिक चीजें आपको साथ साथ देखने को मिलती हैं. ऑलराइट, सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. अब स्केलेटल की बात कर लेते हैं. सो इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू माई ट्रिक वीडियो, सो आप लोगों को मैं रेकमेंड करता हूँ हाउ टू लर्न 206 बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटल बाय ओजोन क्लासेस. ऐसे अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको मेरी ट्रिक मिल जाएगी दोस्तों, और वो ट्रिक अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. बट इफ यू हैव नॉट वॉच्ड आउट दैट ट्रिक देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू. ओके, इस वीडियो में जो कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे अगर आप ये ट्रिक देखकर आते हैं तो सारा मक्खन की तरह निकल जाएगा. बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूटिलाइज सम पार्ट्स ऑफ माय ट्रिक इन दिस लेक्चर एज वेल, सो दैट आपको चीजें रिवाइज हो जाए अगर आपने ट्रिक देख रखी है तो. अगर नहीं देख रखी देन इट्स फाइन, आपको और भी मजा आ जाएगा. सो स्केलेटल सिस्टम के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों. ओके, स्केलेटल सिस्टम इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ बोन्स, जिनके लिए आप वर्ड यूज करते हो ऑस्टियो. ओके, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कार्टिलेज, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हो कॉन्ड्रो. ओके, सो आप लोगों ने एनिमल किंगडम में देखा ही होगा कि आपकी बोनी फिशेस थी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस थी. सो बोनी फिशेस वर कॉल्ड एज ऑस्टिक्थीज एंड द कार्टिलेजिनस फिशेस वर कॉल्ड एज द कॉन्ड्रिक्थीज. ऑलराइट, सो ऑस्टियो इज बेसिकली बोन एंड कॉन्ड्रो सिंपली मींस कार्टिलेज. अब मैं आपको ये वर्ड्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं इन सम सॉर्ट ऑफ डिजीजेस एज वेल एज इनके सॉल्ट्स को याद करने में. फॉर एग्जाम्पल, कार्टिलेज जो है वो किससे बनी होती है, वो आपका कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से मिलकर बनी होती है. कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कॉन्ड्रो इटसेल्फ. ओके, सो कार्टिलेज जो है आपकी कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की मिलकर बनी होती है, जबकि बोन्स आपकी किससे मिलकर बनी होती है, आपके कैल्शियम सॉल्ट से. एंड दैट्स वाई द बोन्स आर वेरी हार्ड, बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव वेरी स्टोनी मैट्रिक्स. इनकी जो मैट्रिक्स रहती है वो बहुत ही हार्ड रहती है क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट के मिलकर बनी है. लेकिन आपकी जो कार्टिलेज है ये क्वाइट इलास्टिक होती है बिकॉज दे आर मोर प्लायबल जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स सच एज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. ओके, सो यहां पर जो है इन चीजों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. स्केलेटल सिस्टम में आपकी 206 बोन्स आती हैं एंड यू कैन बाइफर्केट दीज 206 बोन्स इनटू वैरायटी ऑफ पार्ट्स. जैसे कि आपका एक्सियल स्केलेटल जो होता है उसमें आपके वो पार्ट्स हैं जो आपके एक्सिस पे प्रेजेंट रहते हैं. अगर आप एक ह्यूमन बींग को ड्रॉ करें देन वट आर द पार्ट्स दैट आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द एक्सिस. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द स्कल इटसेल्फ. आपका जो स्कल है ये एक्सिस पे प्रेजेंट रहेगा. उसके बाद हमारे एक्सिस कहां तक आ रही है, आगे अगर आप वेंट्रल साइड की बात करें दैट इट इज गोइंग टू बी द स्टर्नम, और अगर आप पीछे की बात करें दैट इट इज गोइंग टू बी द वर्टिब्रल कॉलम. सो आपका पूरा का पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये भी एक्सिस पे प्रेजेंट रहता है. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिब केज. सो आपके जो रिब्स हैं वो भी यहां पर प्रेजेंट रहते हैं. सो ये जो आपके रिब्स हैं ये भी आपके इसी एक्सियल स्केलेटल में गिने जाएंगे. सो एक्सियल स्केलेटल में आपका क्या क्या आया, देयर इज योर स्टर्नम, देयर इज योर वर्टिब्रल कॉलम, देयर इज योर स्कल, एज वेल एज देयर इज योर यू नो दिस रिब केज.
सो यहाँ पर जो है आपका एक्सियल स्केलेटन, इसमें काफी सारी चीज आई, इसमें अराउंड आपकी 80 बोन्स जो है प्रेजेंट होती हैं। एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी लिम्ब बोन्स जो है वो बेसिकली प्रेजेंट रहती हैं। सो दे आर गोइंग टू बी अराउंड 126 बोन्स। कैसे कैलकुलेट किया, 206 अगर आपकी टोटल है और उसमें से 80 अगर हट गई एक्सियल स्केलेटल की, सो 126 ही तो बची, ये आपका क्या होगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपका फर्स्ट पार्ट आता है स्कल। सो स्कल इज ऑल्सो फॉर्म्ड अप ऑफ वॉट, स्कल इज फॉर्म्ड अप ऑफ द क्रेनियम, यानी कि आपका जो ब्रेन बॉक्स है क्रेनियम पहला, तो उससे बनी हुई जो मतलब उसकी जो हड्डियां हैं वो यहां पर प्रेजेंट होंगी, प्लस आपकी फेशियल बोन्स, आपके फेस पे जितनी भी बोन्स होंगी वो सारी बोन्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। सो द क्रेनियल बोन्स एज वेल एज द फेशियल बोन्स आर गोइंग टू कंस्टिट्यूट द स्कल। ओके, उसके बाद आपका डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होगा, एंड आफ्टर दैट फ्रंट साइड में यानी आपके वेंट्रल साइड में आपकी फ्लैट बोन होगी जिसे आप स्टर्नम बोलते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से जुड़े हुए आपके रिब्स होंगे। ओके, सो देखते हैं कि क्या क्या है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डेसिफर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो स्केलेटल सिस्टम जो है, जैसा हमने बताया, ये बोन और कुछ कार्टिलेजेस का मिलकर बना हुआ होता है। दीज आर गोइंग टू हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन मूवमेंट। अगर आप अपने हैंड को मूव करना चाहते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेज। इफ यू वॉन्ट टू लोकोमोट, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना है, देन दैट इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेजेस दैट यू पोजेस। अगर आपको खाने को चबाना है तो उसके लिए आपके अपनी जॉ बोन्स को यूज करना होगा, दैट इज ऑल्सो द बोनी पार्ट। अगर आपको चलना है तो आपको लिम्ब मसल्स का और वहां पर जो हड्डियां हैं उस स्केलेटल पार्ट को यूज करना पड़ेगा, सो दैट द वॉकिंग कैन बी फैसिलिटेटेड। सो यहां पर जो है आपके इन सारे पार्ट्स में कॉमन चीज ये है कि आपके जो स्केलेटल पार्ट्स हैं उन्हीं की वजह से मूवमेंट और लोकोमोशन होती है। सो बोन और जो कार्टिलेज है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने दो लेक्चर पहले पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड। सो ब्लड इज अ फ्लूइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट यूज टू फ्लो, बट द बोन इज क्वाइट हार्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, एंड कार्टिलेज इज समवट प्लाइबल बिकॉज इट इज नॉट दैट रिजिड। ये जो है आपका कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स का मिलकर बना होता है। 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों और कुछ कार्टिलेज होती हैं। इन्हें आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 80 बोन्स आपकी एक्सियल स्केलेटल में प्रेजेंट होंगी एंड 126 इन द अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल के पार्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले स्कल होगा जिसमें आपके क्रेनियल बोन्स एज वेल एज फेशियल बोन प्रेजेंट होंगी। देन देयर इज गोइंग टू बी योर वर्टिब्रल कॉलम ऑन द डॉर्सल साइड जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। सो जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है दोस्तों, इसके बीच में एक स्पेस होता है विच इज कॉल्ड एज न्यूरल कैविटी। व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूरल कैविटी, बिकॉज दिस हॉलो वर्टिब्रल कॉलम इज गोइंग टू कैरी द स्पाइनल कॉर्ड इन इट। इसके बीच में, इसके सेंट्रल पार्ट में जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, और अगर स्पाइनल कॉर्ड आपका प्रेजेंट है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट पार्ट ऑफ योर CNS। सो आपके CNS को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, कोई बोनी पार्ट करेगा, एंड दैट बोनी पार्ट इज द वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड में आपका फ्लैट, ये जो बोन है जो आप छू सकते हो जहां पे आपके रिब्स आकर अटैच हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर स्टर्नम एंड देन योर रिब्स। सो रिब्स कितने होते हैं, रिब्स आपके 12 पेयर्स होते हैं। जो आपके इनिशियल 7 पेयर होते हैं, सबसे ऊपर वाले 7 पेयर्स, ये आपके अटैच्ड होते हैं। ओके, आफ्टर दैट इन्हें आप ट्रू रिब्स बोलते हो, ट्रू रिब्स, क्योंकि ये आपकी थोरेसिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच होते हैं। आफ्टर दैट जो बाद के 3 पेयर्स हैं, इन्हें आप फॉल्स रिब्स बोलते हो, बिकॉज ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच ना होकर क्या करते हैं, ये ज्वाइन हो जाते हैं आपके इस 7th वाले रिब के ऊपर ही। तो 7 रिब्स तो आपके बढ़िया स्टर्नम से अटैच थे और पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम पे, लेकिन जो उसके बाद के 3 हैं ये क्या करते हैं, आपके यहीं अटैच हो जाते हैं 7th के ऊपर। और जो एंड के 2 पेयर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रिब्स। सो 7 आर द ट्रू पेयर ऑफ रिब्स, 3 आर द फॉल्स पेयर ऑफ रिब्स, एंड द नेक्स्ट 2 आर गोइंग टू बी द फ्लोटिंग रिब्स। सो इनिशियली अगर आप देखें एक्सियल स्केलेटल में, आपका स्कल इज द फर्स्ट पार्ट जो कि 2 सेट ऑफ बोन्स का बना होता है। कौन कौन से, फर्स्ट इज योर क्रेनियम एंड द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी योर फेशियल बोन्स। दोनों से मिलकर ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूटेड होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ व्हाट आर द क्रेनियल बोन्स, जो आपका क्रेनियम बनाएंगी यानी जो आपका ब्रेन बॉक्स बनाएंगी उसे आप बोलेंगे क्रेनियल स्केलेटल। क्रेनियल स्केलेटल में कितनी बोन्स होती हैं, आपकी 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, दीज 8 बोन्स आर वेरी वाइटल बिकॉज दे यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर ब्रेन, एंड दैट्स वाई दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द फाइबरस जॉइंट्स।
यहां पर जो है आपके फाइब्रस जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिनके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं होती. इट मींस दैट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंटल स्कोप. यहां पे मूवमेंट के लिए कोई भी स्कोप प्रोवाइड नहीं किया जाता. ये बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, यहां पर मोशन का कोई चांस नहीं है. ओके, अदरवाइज आपका जो क्रेनियम है वो खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो ब्रेन को यू नो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो स्कोप ऑफ हार्म, ऑफ प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ हार्म टू दिस क्रेनियम. सो जो क्रेनियम है बहुत ही ज्यादा सेफ रखा जाता है. ओके, और इसीलिए यहां पर ये फाइबर्स के साथ कनेक्टेड होता है. सो नाउ दीज आर द 8 बोन्स एंड यू कैन मेमोराइज देम बाय अ वेरी सिंपल ट्रिक मेड बाय मी, दैट इज द पेस्ट ऑफ क्रेनियम, यानी दिमाग के कीड़े. ओके, सो आप कभी यू नो किसी को बोलते हो कि भैया आप पागल वागल हो गए क्योंकि आपके दिमाग में कीड़े वीड़े हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू यूटिलाइज द वेरी सेम ट्रिक. द पी इज गोइंग टू बी द पेराइटल. ओके, पेराइटल. E for your ethmoid, S for your sphenoid, T for your temporal, O for your occipital, F for your frontal. ये जो हैं आपके 6 अलग अलग तरीके के bones हैं which are present in the cranium. So cranium word यहाँ पे इसलिए use किया गया जिससे आपको याद रहे कि trick बनाई किस लिए थी. So pest of cranium simply means आपके अलग अलग तरीके के bones. यहां पर जो P और T है यानी पराइटल और टेम्पोरल है, ये आपके दो दो नंबर में प्रेजेंट होंगे, यानी ये आपके 4 प्रेजेंट होंगे, और बचे हुए जो 4 है इथमॉइड, स्फेनॉइड, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल, ये आपके 4 होंगे. ओके, सो टोटल आपकी 8 क्रेनियल बोन्स यहां पर आपको देखने को मिली. फ्रंटल विच इज प्रेजेंट इन द फ्रंट, देन पराइटल विच इज प्रेजेंट इन द टॉप बैक, टेम्पोरल कनपट्टी के पास, ऑक्सीपिटल पीछे. ओके, जहां पर आपका सेरिबेलम प्रेजेंट था ब्रेन का, जस्ट उसके पास. देन उसके बाद अगर आप देखें तो दिस इज गोइंग टू बी द स्फेनॉइड इन द मिडल, और यू नो इथमॉइड आपकी यहां पर प्रेजेंट है लैक्रिमल के पास. सो लैक्रिमल इज अ फेशियल बोन जो कि आपके यहां पर प्रेजेंट है आईज के जस्ट पास, एंड नेजल इज द फेशियल बोन विच इज प्रेजेंट ऑन द नोज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेजल. दिस इज द जाइगोमैटिक जो आपकी लैक्रिमल के पीछे प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो अ फेशियल बोन. मैक्सिला आपके जबड़े के ऊपर, और मैंडिबल आपके जबड़े के नीचे वाली बोन. हायोइड इज अ सिंगल यू शेप्ड बोन जो कि यहां पर प्रेजेंट रहती है. सो आपको इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक अलग से ट्रिक है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द पेस्ट ऑफ क्रेनियम, PEST, पैराइटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड एंड टेम्पोरल. ऑफ सिंपली मींस ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल. टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं आपके क्रेनियम के अंदर. दिस इज द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या होता है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इज द रीजन दैट प्रोवाइड द कनेक्शन ऑफ द स्कल टू द वर्टिब्रल कॉलम. समझ लीजिए ये बॉडी का वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, और ये आपका स्कल है. इसके बीच में जो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा ना, जो इस स्कल को ले जाके टिकाएगा वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्डाइल. सो दिस इज द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. सो दीज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स आर 2 इन नंबर, एंड दैट्स व्हाई आवर स्कल इज कॉल्ड एज डायकोंडाइलिक इन नेचर. डायकोंडाइलिक का क्या मतलब रहता है? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे. When only single condyle is present, single occipital condyle, so उसे monocondylic skull बोला जाता है, जो primitive vertebrates में आपका पाया जाता है. Okay, so this is about the cranial bones. Now let's talk about the facial bones. Facial bone के लिए simple trick है. MP ने ज़्यादा कोला मंगाई and vomit, क्योंकि उसने ज़्यादा कोला मंगा ली, so now he is not going to tolerate all the amount of cola. So MP, यहाँ पर आपका maxilla आ गया, जो आपका जबड़े के ऊपर present था. P means palatine. ने सिंपली मींस नेजल. जाइगोमैटिक जो आपका प्रेजेंट था लैक्रिमल के पीछे. कोला में 2 वर्ड आ गए हैं, सीओ मींस योर कॉन्के एंड LA मींस योर लैक्रिमल. आंख के पास जो प्रेजेंट थी दैट वन इज लैक्रिमल. मंगाई MAN विच सिंपली मींस मैंडिबल, एंड वॉमिट VO सिंपली मींस वोमर. सो MP ने ज्यादा कोला मंगाई, वॉमिट, दीज आर ऑल टाइप ऑफ फेशियल बोन्स. कितनी बोन्स होंगी? टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट है आपकी स्कल में, जिसमें से 8 आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो क्रेनियम में. बची कितनी आपके पास? आपके पास ऑब्वियसली 14 बोन्स बची ना. सो दिस 14 आर गोइंग टू बी व्हाट? दिस 14 आर गोइंग टू बी द फेशियल बोन्स. सो यहां पर क्या हुआ? MP ने ज्यादा कोला, यानी 6 जो है आपकी बोन्स, ये 2-2 है नंबर में. ओके, जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हो गई आपकी 12 बोन, और आपके मैंडिबल और जो वोमर है ये सिंगल सिंगल है, प्लस 2, दैट इज 14 बोन्स. सो 8 हमने देखी कहां पर? आपके क्रेनियम में, एंड 14 वी हैव सीन इन व्हाट? 14 वी हैव सीन इन द फेशियल बोन्स. सो आपकी क्रेनियल और जो फेशियल बोन्स है ये टोटल 22 होती हैं.
जिसमें से क्रेनियल आपकी 8 है और फेशियल आपकी 14 है। यहां पर आपका यू शेप्ड हायोइड प्रेजेंट रहता है, विच इज अ सेपरेट बोन। ओके, यू शेप्ड हायोइड जिसको आप अलग से टच करके फील कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ बोन। ओके, बाकी आपकी यू नो ईयर ऑसाइकल्स प्रेजेंट होती है मिडल ईयर में। आपने जब ईयर का स्ट्रक्चर देखा था, यू नो जब ईयर का आपने स्ट्रक्चर देखा था सेंसरी ऑर्गन्स में, तो वहां पर आपने देखा था कि यहां पर 6 ईयर ऑसाइकल्स प्रेजेंट रहते हैं इन बोथ द ईयर्स। ऑसाइकल्स मीन्स स्मॉल बोनी स्ट्रक्चर, जो आपके काफी छोटे बोन्स हैं उन्हें आप ऑसाइकल्स बोलते हो। सो इन मिडल ईयर आपके 3 ईयर ऑसाइकल्स प्रेजेंट थी इन ईच ईयर, जिसको हम लोग बोल रहे थे मिस, एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में। सबसे पहले आउटर ईयर से जब आप मिडल ईयर में जाएंगे तो आपका मैलियस से सामना होगा, उसके बाद आपका इनकस से सामना होगा और फिर स्टेपीज से। सो मैलियस इज द फर्स्ट ईयर ऑसाइकल, देन देर इज गोइंग टू बी योर इनकस, एंड आफ्टर दैट देर इज गोइंग टू बी स्टेपीज। ये जो 3 आपके ईयर ऑसाइकल्स हैं ये मिडल ईयर में एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में प्रेजेंट होती हैं, एंड दिस स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे पूरे स्केलेटल में 206 में से सबसे छोटी बोन आपकी स्टेपीज है और सबसे बड़ी बोन आपकी फीमर है। सो दीज आर द ईयर ऑसाइकल्स। ओके, सो जो स्कल रीजन है ये सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे आर्टिकुलेट करेगा, किसकी मदद से? कॉन्डाइल्स की मदद से। सो वर्टिब्रल कॉलम पे ये स्कल जाकर टिक जाएगा विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, इसीलिए हमारा स्कल जो है इसे डायकॉन्डाइलिक बोला जाता है। जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें 26 सीरियली अटैच्ड बोन्स होती हैं, जो कि आपकी डॉर्सल साइड पे प्लेस्ड होंगी, बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम इज डॉर्सली प्लेस्ड। ओके, सो बेस ऑफ स्कल से ये स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आपका जो स्कल है दैट इज अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। सो वो जो है जस्ट स्कल के नीचे से आपका वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आपका जो पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा है, पहला जो आपका ये बोन है इसको आप लोग एटलस बोलते हो, यहां पर जो है आपका अटैचमेंट प्रोवाइड होता है, इसके ऊपर आपका जो है स्कल प्रेजेंट रहता है। द स्कल इज अटैच्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। यहां पर जो है इस टोटल पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं, बट दे आर बायफर्केटेड इन रीजंस। फॉर एग्जांपल द इनिशियल 7 बोन्स आर कॉल्ड एज सर्वाइकल, सो आप इन्हें बोलते हो सर्वाइकल। एंड की जो आपकी 12 है इसके बाद, इसे आप लोग बोलते हो थोरेसिक। सो थोरेसिक जो है आपकी 12 होती हैं बेसिकली। उसके बाद अगर आप देखें तो लंबर जो होती हैं वो आपकी 5 होती हैं। ओके, फिर आपका होता है सिंगल सैक्रल जो कि 5 बोन्स के फ्यूजन से बनता है, एंड आफ्टर दैट देर इज योर सिंगल कॉक्सिस जो कि 4 बोन्स की फ्यूजन से बनता है। सो यहां पर जो है आपका सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिस। इसमें जो आपकी सर्वाइकल है 1 से लेकर 7 तक, इसको C1 से C7 आप लोग लिख सकते हो। जो थोरेसिक है इसे आप लोग T1 से T12 तक आप लोग लिख सकते हो। लंबर जो है इसको L1 से L5 लिख सकते हो। सैक्रल जो है दिस इज सिंगल, तो आप इसे S लिखोगे, और ये जो है आपको आप इसे कॉक्सिस ही लिख सकते हो, आप इसे CO से मेंशन कर सकते हो। व्हाई नॉट C? बिकॉज C इज ऑलरेडी सर्वाइकल। ओके, सो ये जो है आपका मेन फ्रेमवर्क तैयार करता है आपकी बॉडी का, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, आपकी बॉडी को जो पूरा का पूरा सपोर्ट है यही दे रहा है। प्लस इट इज हैविंग द सेंट्रल होलो पोर्शन, जिसको हम लोग कह रहे थे न्यूरल कैनाल, और द न्यूरल कैविटी जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा। सो द मेन फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है इसको आप एटलस बोलते हो, और ये जो है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ इंटरैक्ट करती है, यानी जो आपकी C1 है विच इज कॉल्ड एज एटलस, इट इंटरैक्ट्स विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जिसके ऊपर स्कल टिका हुआ होता है। सो सर्वाइकल आपकी 7 है नंबर में, थोरेसिक आपकी 12 है, लंबर आपकी 5 है, सैक्रल और कॉक्सिस आपके 1-1 है, विच आर फ्यूज्ड इन नेचर। दिस आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ यू नो वैरायटी ऑफ बोन्स। नाउ यू हैव टू मेमोराइज सम थिंग्स, जो कि आप लोग डायरेक्टली यहां पर देख भी सकते हो। अगर आप NCERT में पढ़ते हो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायग्राम को ठीक से देख लेते हो तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5, दिस इज C6, दिस इज C7। यहां जब आपने पहला देखा, पहला थोरेसिक, तो पहले थोरेसिक पे आपको रिब अटैच मिल गया, सेकंड पे आपको रिब अटैच मिल गया, आपको थोरेसिक रीजन के जो आपके वर्टिब्रा हैं इनमें आपको रिब अटैच मिल रहे हैं। इट मींस आपके जो रिब्स आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं दे आर अटैच्ड बैकवर्ड्स टू द थोरेसिक वर्टिब्रा, ये आपके थोरेसिक वर्टिब्रा पे अटैच होते हैं, ना कि सर्वाइकल पे।
ना कि लंबर पे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको थोरेसिक वर्टिब्रा पे अटैच मिलेंगे। ये पॉइंट आप लोग डायग्राम से ही निकाल सकते हो, बिकॉज डायग्राम इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू दैट, राइट? डायग्राम आपका दिया ही इसलिए है कि आप इन चीजों को रिलेट कर पाओ। ओके, सो दिस इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इन दिस केस, दिस इज व्हाई आपके रिब्स इस तरीके से शो किए हुए हैं। ओके, सो यहां पर 7 जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा आपके प्रेजेंट होते हैं नियरली इन ऑल द मैमल्स, सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, काफी सारे और भी मैमल्स में सर्वाइकल जो है वर्टिब्रा आपके C1 से C7 ही प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। ये हेड को भी सपोर्ट करता है बिकॉज हेड इसके ऊपर टिका हुआ है। ओके, एज वेल एज ये बैक को भी मस्कुलेचर प्रोवाइड करता है जिससे आपकी पीठ जो है ठीक रह सके। यहां पर इसके बीच में जो है डिस्क प्रेजेंट रहती है जिन्हें आप बोलते हो इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटर मतलब बीच में, वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रा के बीच में, एंड दिस आर द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज प्रोवाइड द मूवमेंट टू द वर्टिब्रल कॉलम। एंड वाई दिस मूवमेंट इज नेसेसरी, अगर समझ लो आपके पीछे किसी ने डंडा लगा दिया है पीठ पे तो आप मुड़ थोड़ी पाओगे। सो इट इज नॉट दैट स्टिफ, इट इज फ्लेक्सिबल सो दैट यू कैन बेंड योर बैक और आप जो है नॉर्मल काम कर सको। अब आप कॉन्टोर्शनिस्ट नहीं हो, आप ऐसा नहीं है कि अपने पैर खुदी की छाती पर रख के और जुबान पीछे करके और फिर फर्श चाट चाट के साफ कर रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर नहीं है। इतनी मतलब रामदेव बाबा नहीं होते ना भाई सब। सो यहां पर क्या है कि बेसिकली आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है जितनी आप लोगों के लिए जरूरी है। ओके, ज्यादा मुड़ोगे तो हड्डी टूट के हाथ में आ जाएगी। सो यहां पर जो स्टर्नम है यह आपका फ्लैट बोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो आपका वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स में प्रेजेंट रहता है, यानी कि जो आपके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो ये आपका वेंट्रल साइड से प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, और डॉर्सल साइड पे आपका क्या प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड पे आपका प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम। नाउ 12 पेयर ऑफ रिब होते हैं, 7 पेयर ट्रू, 3 पेयर फॉल्स, 2 पेयर फ्लोटिंग। अब देखते हैं क्या क्या होता है। ये जो है रिब, ये आपका थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड होते हैं डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम में, यानी पीछे तो ये वर्टिब्रल कॉलम में जाके कनेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास दो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हड्डी आपकी यहां से स्टर्नम से अटैच होकर निकली और पीछे की साइड गई, और इसके पास कुछ क्लिप लाइक स्ट्रक्चर्स थे, कुछ माउथ लाइक स्ट्रक्चर थे, और उनसे इसने क्या किया, वर्टिब्रल कॉलम को पकड़ लिया। सो अब जो है एक पूरी केज बन गई है। सो रिब केज आप किसे कहते हो? रिब केज कह रहे हो आप लोग एंटीरियरली जो आपका, यानी आपका वेंट्रली आप लोग कह सकते हैं, अपर और फ्रंटल पार्ट में जो आपका स्टर्नम प्रेजेंट है, ये आपका आगे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बीच में आपकी पूरी रिब है ही, और पीछे से दे आर कनेक्टेड बाय हेड लाइक स्ट्रक्चर्स टू द वर्टिब्रल कॉलम। सो एक पूरी केज बन गई। केज क्या होती है? पिंजरा, और पिंजरा हमेशा बंद रहता है। अगर आप ऐसा बोलो कि हमारी सिर्फ रिब्स जो है वो पिंजरा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे किस पे अटैच है? अगर आगे स्टर्नम में हटा दूं तो पिंजरा खुल जाएगा ना भाई। अगर पीछे से वर्टिब्रल कॉलम गई तो पिंजरा खुला का खुला रह गया। सो इट नीड्स अ केज, इट रिक्वायर वॉल्स। सो दैट वॉल इज द यू नो दिस वेंट्रल स्टर्नम, दिस डॉर्सल वर्टिब्रल कॉलम एंड द रिब्स। ये जो पूरा है, ये पूरा एक पिंजरा तैयार होता है, इस टोटल को आप लोग रिब केज बोलते हो। ओके, सो वेंट्रली ये स्टर्नम पे जुड़े रहते हैं फ्लैट बोन लाइक स्ट्रक्चर पे। इसके पास दो आर्टिकुलेशन प्रेजेंट रहते हैं, यानी इसके पास दो ऐसे सरफेस हैं जो इसे डॉर्सली जोड़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम पे। वो जो दो आर्टिकुलेशन हैं उन्हें बोला जाता है बाय सिफेल, यानी कि बाय का मतलब होता है दो और सिफेली का मतलब होता है हेड, यानी दो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो इसे पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ ज्वाइन कर देंगे। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज बाय सिफेलिक इन नेचर। क्यों बोला? क्योंकि इनके पास दो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर जॉइनिंग इट। सो जो आपके फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं इन्हें आप ट्रू रिब्स बोलते हो। डॉर्सली या आपके थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़े हुए, देख लिया था हमने थोरेसिक से जुड़े होते हैं, ना सर्वाइकल से ना लंबर से। ओके, और ट्रिक भी थी पीछे यार, ट्रिक ये थी कैट टुक 5 लिटिल स्पैरो एंड क्रो, यानी कैट का मतलब है सर्वाइकल जो कि 7 होंगे, टुक का मतलब है टी थोरेसिक जो कि 12 होंगे, L5 यानी लंबर आपके 5 होंगे, स्पैरो दैट इज सैक्रल एंड सी फॉर योर कॉक्सिस जो कि सिंगल सिंगल होंगे। ये ट्रिक है, आप इससे भी याद कर सकते हो। एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम। ओके, वेंट्रली वो स्टर्नम से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आपके स्टार्टिंग के जो यू नो 7 ट्रू पेयर ऑफ रिब्स हैं वो पीछे आपके कहां जुड़े हुए हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा पे, और आगे जुड़े हुए हैं आपके स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन मतलब ग्लास लाइक कार्टिलेज विच इज क्वाइट टफ एंड रिजिड। सो ऐसा नहीं है कि जोर से भागे और हड्डी निकल के गिर गई, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होता ये। सो दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट टफ जस्ट लाइक ग्लास, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज
हाइलीन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ग्लासी अपियरेंस. एट्थ, नाइन्थ और टेंथ जो आपके पेयर ऑफ रिब्स होते हैं ये कहीं भी आर्टिकुलेट नहीं करते. ओके, यानी कि ये जो है आपके स्टर्नम पे नहीं है, जैसे ये समझ लो ये आपका स्टर्नम पे डायरेक्ट हड्डी जुड़ी हुई है, ये भी आपकी डायरेक्ट हड्डी जुड़ी है, लेकिन जो बाद वाले हैं ये इस मेन हड्डी पे ही जुड़ गए. ओके, ये मेन हड्डी पे जुड़ गए, ये आपके स्टर्नम पे ना जुड़ के इस हड्डी के ऊपर जुड़े हैं, समझ रहे हो? तो ये सेवेंथ रिब पे आकर जुड़ जाते हैं, ना कि आपके स्टर्नम पे. सो इसे जो है आप बोलते हो फॉल्स रिब. सो ये भी हाइलीन कार्टिलेज की मदद से जुड़ते हैं, जो यहां पर आपकी ग्लास लाइक कार्टिलेज आपको दिखा रखी है, दैट इज प्रेजेंट. ओके, सो सात जो पेयर्स हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से यहां पर जुड़े हुए हैं आपके स्टर्नम से. बचे हुए जो तीन हैं वो सेवेंथ रिब के ऊपर चढ़ गए. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स. ओके, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स क्योंकि कार्टिलेज की मदद से जुड़े हुए हैं. सो दैट्स व्हाई कॉन्ड्रल वर्ड इज टेकन एंड वर्टिब्रो वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम. लास्ट दो जो होते हैं आपके इलेवेंथ और ट्वेल्थ, ये जो है दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है. तो ये पीछे कनेक्टेड नहीं होते, ये सिर्फ आगे आगे आपके यहीं पर कनेक्टेड होते हैं, यहीं पर शुरू और यहीं पर खत्म. सो इसीलिए इनको बोला गया फ्लोटिंग रिब्स, ये तैर रहे हैं भाई. ओके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिब के ऊपर ही कनेक्टेड है, ये पीछे डॉर्सल साइड में आपके कनेक्टेड नहीं है. ओके, और वेंट्रल साइड में भी यहां पर आपके कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वाई ये क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं. ओके, सो ये वेंट्रली कनेक्ट नहीं होते, थोड़ा बहुत जो इनको इंटरेक्शन मिलता है वो डॉर्सल साइड से ही मिलता है, बट वेंट्रल साइड से इनको बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं मिलता, दैट्स वाई इन्हें आप फ्लोटिंग बोलते हो. ओके, थोरेसिक वर्टिब्रा जो कि आपका पीछे से प्रोवाइड कर रहा है, ओके, केज की एक दीवार. सो थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो आपका पीछे से प्रोवाइड कर रहा है, रिब्स जो कि आपके दोनों साइड से अटैच्ड है, और आगे स्टर्नम यानी आगे की दीवार, ये सारे मिलकर रिब केज बनाते हैं, यानी ये सारे मिलकर पिंजरा बनाएंगे. द बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद द गिर्डल्स, यानी पेक्टोरल और पेल्विक जो गिर्डल हैं और उसके साथ साथ आपकी जो बोन्स हैं टीबिया फिबुला, ओके, टार्सल्स मेटाटार्सल्स कार्पल्स मेटाकार्पल्स ह्यूमरस रेडियस उल्ना, ये सारे मिलकर जो है आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल बनाते हैं. यानी एक्सियल स्केलेटल हमारा खत्म हो चुका है, अब हम आएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल पे. सो ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, यानी आपके हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, तो टोटल 60 हो गई, प्लस आपके पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, टोटल आपकी ये 60 हो गई, तो 120 हो गई. बट आपने देखा था अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में कितने प्रेजेंट थे, 126 बोन्स. ये जो आपकी 6 बची हैं ये आपके गिर्डल्स होते हैं. ओके, ये होते हैं आपके पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल. पेक्टोरल गिर्डल आपके यहां पर, ओके, स्कैपुला वगैरह, स्कैपुला एंड क्लेविकल, और आपकी यू नो जो दूसरे गिर्डल्स हैं वो नीचे प्रेजेंट होते हैं, इलियम इशियम प्यूबिस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. द बोन्स ऑफ हैंड और द फोर लिम्ब आर ह्यूमरस रेडियस एंड उल्ना. सो इसको आप लोग नॉर्मली लिखते हो ना मैसेजेस में, हाउ आर यू, छोटा करके ह्यूमरस रेडियस उल्ना. सो ह्यूमरस जो है ये आपका ये वाला बोन है, इस ये जो बाइसेप के पास है, और यहां पर रेडियस और उल्ना ये वाला है जो आपके थंब के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज रेडियस यानी इस साइड वाला, और अपोजिट साइड में जो है दैट इज उल्ना. सो दिस इज योर ह्यूमरस, दिस इज योर रेडियस एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी योर उल्ना. ये आपके तीन इंपॉर्टेंट बोन्स हैं. इसके अलावा यहां पर कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं और फेलेंजेस होते हैं. फेलेंजेस जिनको आप मूव कर पा रहे हो आपकी उंगलियां, और मेटाकार्पल्स जो है यहां पर आपको पाम बोन्स मिले, ये वाले मेटाकार्पल्स आपके जो पाम बोन्स हैं, और कार्पल्स जो आपके रिस्ट बोन है. सो कार्पल क्या होता है, कार्पल आपके फ्लावर का पार्ट होता है, पिस्टिल आप जिसे बोलते हो. सो फ्लावर आप हमेशा हाथ में उठाते हो, तो आपको ये याद रखना है दैट कार्पल्स मेटाकार्पल्स आर एसोसिएटेड विद द हैंड, क्योंकि पैर में इसके जस्ट अपोजिट आएंगे टार्सल्स एंड मेटाटार्सल. सो टी से आपको याद करना है कुछ और, जैसे टहलना या टो. सो ये सारी जो चीजें हैं वो पांव से एसोसिएटेड होती हैं. सो वो आपको टार्सल और मेटाटार्सल याद करने में हेल्प करेंगी. कार्पल एंड मेटाकार्पल फ्लावर का एक पार्ट, जो कि आप बेसिकली फ्लावर हमेशा हाथ से पिक करते हो, सो दैट इज रिलेटेड टू द हैंड. ओके, सो दिस इज ह्यूमरस रेडियस उल्ना. नाउ दीज आर द कार्पल्स विच आर द रिस्ट बोन्स, दीज आर द मेटाकार्पल्स विच आर बेसिकली योर यू नो पाम बोन्स, एंड देन उसके बाद आपके फेलेंजेस जो कि आपके डिजिट्स होते हैं. सो इनिशियली आपने देखा ह्यूमरस रेडियस उल्ना, ये तो हो गए आपके तीन. उसके बाद अगर आप देखेंगे कार्पल, तो कार्पल हो गए आपके 8, मेटाकार्पल्स अगर आप देखेंगे तो हो गए आपके 5, और डिजिट्स हो गए आपकी 14. सो टोटल कितने हुए, ये हो गए आपके 19, 19 के बाद आप 8 लगाएंगे तो 27, 27 और 3, 30 आपकी बोन्स आपको यहां पर हाथ में देखने को मिली, विच इज करेक्ट. सो दोनों हाथों के मिला के आपकी 60 बोन्स हो गई.
दोनों हाथों के मिला के 60 बोन्स हो गई हैं। फीमर जो है आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सो थाई बोन जो है ये आपकी लॉन्गेस्ट बोन होती है। इसके बाद होता है आपका फिबुला एंड टार्सल, उसके बीच में आपकी घुटना प्रेजेंट होता है एंड घुटना के जो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है, ओके कप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज टेला, ओके सो पटेला ना बोलकर इसे आप टेला बोलते हो, प्लीज साइलेंट ओवर हियर। सो यहां पर जो है आप इसे टेला बोलते हो। सो यहां पर आपके क्या है, एंकल बोन्स आए जो कि 7 है, उसके बाद आपके मेटा टार्सल्स आए जो कि 5 है, और फेलेंजेस आए जो कि 14 है। सो आपको एक चीज याद करनी है यहां पर कि मेटा टार्सल्स और फेलेंजेस आपके मेटा कार्पल्स और फेलेंजेस जितने ही है, लेकिन आपके जो टार्सल्स थे वो 8 की जगह 7 हो गए। क्यों? क्योंकि एक घुटने की जो हड्डी है वो भी तो एक्स्ट्रा हो गई ना। सो घुटने की हड्डी अगर आपकी पैर में एक्स्ट्रा है तो आपके एक एंकल बोन को यहां पे कम कर दो ओवरऑल, तो क्योंकि दोनों का सम 30 ही है ना। सो अगर आपके यहां पर भी 8 हो जाते देन इट इज गोइंग टू बी टोटल 31, बट इट इज नॉट द केस। सो यहां पर आपको 7 लेना है, ओके तो इससे केस भी जस्टिफाई हो जाएगा, आपको चीजें भी याद होती चली जाएंगी। ओके सो नी कैप जो है इसको ऐड करके आपके पैर में कितने हो गए, आपके पैर में भी जो है बेसिकली 30 बोन्स आपको मिल गई। सो पैर की हड्डियां एक बार देख लेते हैं फिर आते हैं वापस। सो दिस इज योर फीमर विच इज द लॉन्गेस्ट बोन, उसके बाद दिस इज द नी कैप विच इज कॉल्ड एज टेला, और नीचे जो है आपकी टीबिया और फिबुला प्रेजेंट है। तो 4 बोन्स आपकी हो चुकी हैं। सो आपके टार्सल्स हो गए फिर 7, मेटा टार्सल्स हो गए आपके 5, और फेलेंजेस हो गए आपके 14, 14, 5, 19, 19 और 7, 26, 26 और फिर 27, 28, 29 और 30। सो 30 बोन्स प्रेजेंट इन बोथ द लेग्स, सो दीज आर गोइंग टू बी 60। सो 60 + 60 इज गोइंग टू बी 120 बोन्स हम लोग हाथ और पैर के कर चुके हैं। बची हैं आपकी 6 बोन्स जो कि हैं आपकी गिर्डल्स, सो इनको एक बार देख लेते हैं। सो पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल जो है ये आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करती हैं टू द अपर एंड लोअर लिम्ब रेस्पेक्टिवली, यानी आपके हाथ और पैर की जो मेन हड्डियां जहां पे जुड़ी हुई है, जैसे ये जो आपका शोल्डर जॉइंट है, इस शोल्डर जॉइंट पे आपका अटैचमेंट प्रोवाइड कौन करता है, आपका हाथ है। आपने ये तो बात कर ली कि हाँ भाई हाथ है, रेडियस है, उल्ना है, ह्यूमरस है, अटैच्ड कहां पर है, हवा में थोड़ी लटका हुआ है, कोई इसको जगह भी चाहिए, विच इज प्रोवाइडिंग इट द साइट ऑफ अटैचमेंट, दैट अटैचमेंट साइट इज प्रोवाइडेड बाय स्केपुला एंड क्लेविकल विच आर द गिर्डल्स। सो यहां पर जो स्केपुला है दिस इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, ओके कभी आपने छोटा बच्चा देखा हो तो यार, मतलब हमारे गांव में तो बच्चे ऐसे बचपन में हम लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, नंगे घूमते रहते थे, सो वहां पर एक जो है ट्राइंगुलर शेप हड्डी प्रेजेंट होती है पीछे, आप लोग खुद का भी देख सकते हो, ऐसे यहां तक हाथ पहुंचता है। सो ये जो है स्केपुला ये आपकी ट्राइंगुलर शेप बोन प्रेजेंट है ऑन द डॉर्सल साइड, और यहां पर ये जो आपका कॉलर बोन है, कॉलर बोन जिसको आप लोग यू नो ब्यूटी बोन भी बोलते हो, दैट इज गोइंग टू बी क्लेविकल, जो आपको दिखाई देती है, अगर आप अपने बड़े भाई या अपने पिताजी की टी शर्ट पहन लो तो आपको यहां पर दिखाई भी देगी, दिस पर्टिकुलर बोन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द क्लेविकल, ओके। सो यहां पे ईच गिर्डल इज फॉर्म्ड अप ऑफ 2 हाफ्स, ओके ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गिर्डल कंसिस्ट ऑफ द क्लेविकल, ओके अब यहां पर क्लेविकल प्रेजेंट है और एक स्केपुला प्रेजेंट है, दोनों में क्या फर्क है, स्केपुला इज द ट्राइंगुलर शेप्ड डॉर्सल साइड बोन और क्लेविकल आपका फ्लैट बोन है जो कि आपका यहां पर प्रेजेंट है ऑन द एंटीरियर एंड वेंट्रल साइड। सो स्केपुला जो है ये आपका लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन 2nd एंड द 7th रिब। सो 2nd और 7th रिब के बीच में अगर आप पीछे की साइड से देखें तो आपका यहां पर आपको यू नो स्केपुला देखने को मिलता है। द डॉर्सल फैट ट्राइंगुलर स्केपुला इज स्लाइटली एलिवेटेड, इज हैविंग अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड एज स्पाइन, इसके ऊपर जो है एक एलिवेटेड पार्ट प्रेजेंट रहता है उसको आप लोग स्पाइन बोलते हो, विच प्रोजेक्ट्स अ फ्लैट, ओके विच प्रोजेक्ट्स अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रोमियन, और ये जो एक्रोमियन है क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, यानी कि आपका जो क्लेविकल है ये जो आपकी कॉलर बोन है कहां पर अटैच है, ये कॉलर बोन उस रिज पे प्रेजेंट है जो कि आपका स्केपुला पे है। सो स्केपुला के ऊपर एक थोड़ा सा उभार है, ओके वो जो उभार है उसके ऊपर एक्रोमियन नाम का एक प्रोसेस प्रेजेंट है, उससे जाकर आपका क्लेविकल जुड़ जाता है। सो बिलो द एक्रोमियन इज द डिप्रेशन कॉल्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी आपका जो एक्रोमियन है उसके नीचे कैविटी प्रेजेंट रहेगी जिसमें ह्यूमरस का हेड आकर अटैच हो जाएगा, यानी आपके हैंड बोन का जो हेड है वो आकर अटैच हो जाएगा विच फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट, यानी यहां पर जो स्केपुला है यहां पर आपकी ग्लिनॉइड कैविटी जो प्रेजेंट होगी वहां पर आपका शोल्डर जॉइंट आपको बनता हुआ दिखाई देगा, उसके अंदर आपका जो ह्यूमरस है इसकी हड्डी जाकर फंसेगी,
और क्लेविकल कहां अटैच है, एक्रोमियन प्रोसेस जो है ओके उसके साथ आर्टिकुलेट करेगी. सो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ हेड. सो ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर्स, क्योंकि दो जगह जाके अटैच होगी ना, एक जगह तो आपके यहां पर एक्रोमियन के साथ ओके और दूसरी जगह यहां पर जहां पे खत्म होगी वो बेसिकली. तो आप अगर स्ट्रक्चर देखें, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट जहां पर अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी, दूसरी यहां पर भी तो पहुंचेगी ना दूसरे एंड पर. सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज द कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन. पेल्विक गिडल आपका पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा, यानी आपके जो पैर हैं वहां पर. सो इट इज कंसिस्टेड ऑफ टू कॉक्सल बोन्स, यहां पर दो कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट रहती हैं. ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस. ओके, इलियम, इशियम और प्यूबिस नाम की तीन बोन होती हैं. दिस इज इलियम, दिस इज प्यूबिस एंड दिस इज इशियम. ये वाली जो बोन है इशियम राउंड वाली, ये वाली आपकी प्यूबिस एंड द बिगेस्ट वन इज गोइंग टू बी इलियम, जहां पर तुम हाथ रख के ठुमके लगाते हो. सो वो आपका इलियम है. और आपको याद रखना है दिस इज नॉट द इलियम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो इलियम आपका अलग था. ओके, सो यहां पर जो है आपके दो कॉक्सल्स प्रेजेंट रहेंगे जो इन तीनों बोन्स के फ्यूजन से बनेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द वन यू नो गिर्डल, वन पेल्विक गिर्डल एंड दूसरी साइड में आपका दूसरा पेल्विक गिर्डल प्रेजेंट होगा. ओके, सो यहां पर आपका स्कैपुला हो गया और क्या हो गया, आपका क्लेविकल हो गया. सो दो बोन्स आपकी ऊपर और दो बोन्स आपकी दूसरी साइड, क्योंकि दूसरा शोल्डर भी तो जुड़ेगा. सो टू इंटू टू आपका फोर हो गया, प्लस इसके साथ आपके दो जो हैं आपके यहां पर कॉक्सल्स आप कैलकुलेट कर लीजिए जो कि तीन बोन्स के फ्यूजन से बने हैं. सो फोर प्लस टू इजिकल टू सिक्स, 120 हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे और इसके ऊपर सिक्स और लगा दीजिए. दिस इज गोइंग टू बी योर अपेंडिकुलर स्केलेटन. सो एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स एक कैविटी बनती है एसिडाबुलम, जहां पर आपका जो थाई है वो आकर जुड़ जाता है. यानी यहां पर जो है एक कैविटी बनेगी एसिटाबुलम, जहां पर ये जो थाई बोन है ये आकर अटैचमेंट कर देती है. यानी जो शोल्डर है वो आपका लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी में अटैचमेंट कर रहा था और यहां पर ये एसिटाबुलम नाम की कैविटी में अटैचमेंट कर रहा है. सो टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गिडल मीट्स वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस विच कंटेन फाइब्रस कार्टिलेज. यानी जो दो हाफ है ये वेंट्रली आकर ऑन द वेंट्रल साइड, ये फ्रंटल साइड में बनाते हैं आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट, जिसमें आपके फाइब्रस कार्टिलेज लगे होते हैं. यानी यहां पर मूवमेंट का कोई चांस नहीं होता, आप इस पार्ट को फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते. सो ये जो प्यूबिक पार्ट होता है दिस इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज द बोन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज. ओके, सो आप देखते हैं जॉइंट्स के बारे में. सो जॉइंट्स दो चीजों को ज्वाइन करने का काम रहेगा, वो आपका जॉइंट्स का होगा. सो जॉइंट्स आर असेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, क्योंकि अगर जॉइंट आपका बहुत रफ बन गया है, जैसे कि आपका यहां पर बना था फाइब्रस जॉइंट इन केस ऑफ योर क्रेनियम, सो उसकी बोन्स जो है मूवमेंट शो नहीं कर सकती, दैट इज द फाइब्रस जॉइंट, इट कांट मूव. सो यहां पर जो है मूवमेंट अलाउड नहीं होती. सो यहां पर ऐसे ही पार्ट मूव कर पाएंगे जहां पर आपका जॉइंट जो है उन्हें मूवमेंट अलाउ करे, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, आप लोग अपने हाथ को अच्छे तरीके से मूव कर सकते हो ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉइंट विच इज प्रेजेंट. अगर यहां पर आपको स्ट्रेट आपके हाथ पे कोई बेल्डिंग करके चला जाए, देन यू विल नॉट बी एबल टू मूव दैट, राइट. सो इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन. यानी कि जाहिर सी बात है लोकोमोशन के लिए भी जॉइंट्स होना जरूरी है. जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स, यानी बोन टू बोन भी जो है आपका जॉइंट हो सकता है और बोन टू कार्टिलेज के बीच में भी आपका जॉइंट हो सकता है. फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट. जाहिर सी बात है जब आपके मसल फोर्स जनरेट करेंगे तो मूवमेंट होगा, लेकिन वो जॉइंट के थ्रू होगा. अगर कोई रिजिड पॉइंट वहां पर प्रेजेंट है, जॉइंट नहीं है, तो कोई मूवमेंट वहां पर नहीं हो जाएगी. सो यहां पर जो जॉइंट्स है वो आपके फलक्रम का काम करती हैं. नाउ फलक्रम आपने सुना होगा, अगर आपने लिवर मैकेनिज्म सुना है तो. लिवर मतलब आपका लिवर नहीं, लिवर मैकेनिज्म मतलब कोई भी चीज जिसको आप यू नो ऊपर नीचे खींचने की कोशिश करते हो, दैट इज जस्ट बाय द लिवर मैकेनिज्म. ओके, सो वहां पर फलक्रम क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि चीजों को मूव कराने में हेल्प करती है. सो फलक्रम इज द जॉइंट इन दिस पर्टिकुलर केस. यानी कि अगर आपके पास लिवर भी है, आपके पास सब कुछ है, तो भी आप नहीं करा पाओगे मूवमेंट अगर आपके पास फलक्रम नहीं है. कोई चीज भी तो होनी चाहिए ना जिसके ऊपर चीज को घुमा सके. सो दैट इज कॉल्ड एज द फलक्रम. सो यहां पर जॉइंट जो है आपके मोशन को फैसिलिटेट करते हैं. द मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स. सो कौन कौन से फैक्टर हैं वो देखते हैं. जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, नेमली द फाइब्रस जिनमें मोशन नहीं होती, कार्टिलेजनस जिस पर कार्टिलेज जुड़ी हुई है और ठीक ठाक मोशन प्रोवाइड करा देती है,
देन द साइनोवियल जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, साइनोवियल जिनके अंदर साइनोवियल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है और वो फ्लूइड की वजह से अच्छा खासा मूवमेंट शो कर देते हैं। सो फाइबरस जॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे जिनमें कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं होगी, जैसे कि आपके फ्लैट स्कल बोन्स, आपके जो क्रेनियम के बोन्स हैं उनके बीच में कार्टिलेजनस जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करते, बिकॉज एंड टू एंड फ्यूजन होता है इनमें विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइबर्स हैं ये आपस में बोन्स को बहुत अच्छे तरीके से यू नो पैक कर देते हैं जिससे कि ये मूव ना कर पाए, जैसे कि इन द केस ऑफ क्रेनियम। और सचर्स का मतलब होता है आपका गैप, सो जितना भी गैप रहता है उसको फाइबर्स आके भर देते हैं। इन कार्टिलेजनस जॉइंट आपका जो प्लायबल कार्टिलेज होता है वो यहां पर अटैच करता है, वो आपका जॉइनिंग प्रोवाइड करता है। सो बोन्स इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, यहां पर इनके बीच में कार्टिलेज प्रोवाइड होगा, जैसे कि एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में, जो आपकी इंटर वर्टिब्रल डिस्क है उसकी हम लोग यहां पर बात करें। सो वर्टिब्रल कॉलम जो है आपको लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे आप आगे मुड़ सकते हो, आप पीछे मुड़ के अपनी मुंडी दोबारा अपने पैर के बीच में से वापस निकाल कर जो है दीवार की ओर नहीं देख सकते, सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन। ओके, साइनोवियल जॉइंट जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, सो यहां पर जो है आपका फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी रहती है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस, यानी दो बोन्स अगर कनेक्ट हो रही हैं तो उनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है जो कि उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है सो दैट प्रॉपर मोशन कैन अकर। जैसे कि आप लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हो तो उस केस में क्या रहता है, देर इज ग्रीस, देर इज ऑयल, सिमिलरली हेयर इट इज गोइंग टू बी साइनोवियल फ्लूइड इन द साइनोवियल कैविटी। ओके, सो सच एंड अरेंजमेंट प्रोवाइड कंसिडरेबल मूवमेंट, यहां पर बहुत अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। दीज जॉइंट्स हेल्प इन द लोकोमोशन, मूवमेंट में जाहिर सी बात है बहुत अच्छी खासी आपको मोशन की जरूरत है, एंड मैनी अदर मूवमेंट सच एज आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि आपका ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल के बीच में प्रेजेंट रहता है। ओके, पेक्टोरल गिर्डल मतलब दिस पार्ट एंड द ह्यूमरस जो कि आपका शोल्डर जॉइंट बना रहा था, दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि जब आप बॉल फेंकते हो तो अपने हाथ को इस तरीके से मूव करते हो, सो ये जो हैंड जॉइंट है, ये जो शोल्डर जॉइंट है, इसको आप बॉल एंड सॉकेट से याद कर सकते हो बिकॉज यू आर गोइंग टू थ्रो द बॉल वाया दीज मूवमेंट्स। ऑल राइट, द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी द हिंज जॉइंट जिसे आप नी जॉइंट बोलते हो। ओके, सो नी जॉइंट जो है ये भी कंसिडरेबल मूवमेंट आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने घुटने को अच्छे तरीके से फोल्ड कर पाते हो। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट जो है एटलस और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट रहता है। एटलस और एक्सिस क्या हो गया, अब एटलस क्या था आपका C1 था, सो ये जो आपके वर्टिब्रा के इनिशियल पोर्शन है ना, यहाँ पे आपकी नेक को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे आपके वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर जो आपकी मुंडी टिकी हुई है उसको आप लोग ऐसे यू नो स्ट्रेच कर सको, दैट इज वाई द पाइवट जॉइंट्स आर प्रेजेंट। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग जो है आपका कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट है। ओके, कार्पल्स के बीच में आपका ग्लाइडिंग जॉइंट्स प्रेजेंट है, यानी आपके रिस्ट बोन्स में। देन सैडल जॉइंट्स जो आपका कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में प्रेजेंट है, यानी इस पर्टिकुलर इलाके में ये आपके सैडल जॉइंट प्रेजेंट होते हैं ऑफ द थंब, यानी कि इस इलाके की बात हो रही है। दीज आर द सम एग्जांपल्स जो कि आपके जॉइंट्स के एग्जांपल हैं। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ओके, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, सो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि यहां पर आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है खुद पर ही हमला करने लग जाता है, यानी ये जो सेल्फ ऑर्गन्स हैं उनको यू नो फॉरेन ऑर्गन्स मानकर काम करने लग जाता है, तो ये खुद के ही बॉडी ऑर्गन्स के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। सो इट अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन जो है जो मसल के पास सिग्नल लेकर आ रहे थे उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके, उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जो है ये इफेक्ट करता है, जिससे फटीग आ जाती है, जिससे थकान महसूस होने लगती है, वीकनिंग महसूस होने लगती है और स्केलेटल मसल जो है आपकी पैरालाइज हो जाती हैं, बिकॉज इनके बीच में अगर यू नो कुछ गड़बड़ हो गई तो जो सिग्नल यहां से यहां पर आना था वो सिग्नल नहीं आ पाता, एंड दस द स्केलेटल मसल कांट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट। जो आपका मोटर न्यूरॉन है जो सिग्नल लेकर आया है उसके आदेश अनुसार ये जो है आपका काम नहीं कर पाएगा और ये स्टिफ हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली और ये पैरालाइज हो जाता है। वाई, क्योंकि इसके पास सिग्नल ही नहीं आ रहा, सो ये पैरालाइज ही है जब तक इसके पास सिग्नल नहीं आएगा। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, ये आपका प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन या डिग्रेडेशन है स्केलेटल मसल्स का ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी आपके जो स्केलेटल मसल हैं इस पर्टिकुलर केस में वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो मस्कुलर मींस मसल एंड डी मींस योर डीजेनरेशन और डिग्रेडेशन। टिटेनी, ये इसमें आपके रैपिड स्पाज्म आते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होती है, जकड़न हो जाती है,
आपकी मसल्स के अंदर और बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लो कैल्शियम। अगर लो कैल्शियम होगा तो क्या होगा, आप सोच के देखो। यहां पर तो यही बता दिया कि लो कैल्शियम है, लेकिन हुआ क्या? लो कैल्शियम होने का यह मतलब है कि आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो अब एफिशिएंट नहीं हो पाएगी। ओके, आपकी कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट था? कैल्शियम आपका बाइंड कर रहा था ट्रोपोनिन के साथ, जो उसे एक्टिन के ऊपर से हटा रहा था, और कैल्शियम बाद में वापस चले जाते हैं इंडा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस वजह से नॉर्मली रिलैक्सेशन स्टेट आ जाती है। यहां पे काफी बार रैपिड स्पाज्म होते हैं और ड्यू टू लो कैल्शियम ये जो है ठीक से उस साइकिल को रेगुलेट नहीं कर पाता और जो जकड़ी हुई मसल्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा दर्द देने लग जाती हैं। देन देयर इज आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। बूढ़े लोगों में ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बूढ़े लोग ये कहते हैं कि जॉइंट जो है उनमें घुटने जो है और उनमें यू नो ठीक से बेसिकली काम नहीं किया जा रहा है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही हैं, भागा दौड़ा नहीं जा रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब आपका बोन एंड पोरोसिस मतलब छेद हो जाना, यानी कि डीकैल्सिफिकेशन, यानी कि आपके कैल्शियम की मात्रा कम हो जाना। सो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स रिडक्शन इन द कैल्शियम कॉन्टेंट ऑफ द बोन। सो दिस इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर। जब आपके ओवेरियन हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो जाती है, जब आपका एस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है, तो कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां जो है उसका कैल्शियम बहकर आपके यू नो बॉडी फ्लूइड्स में आ जाता है, और इस वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सो दिस इज कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज इन द बोन मास एंड इंक्रीज इन द चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। ओके, आपको यू नो एड्स वगैरह आते हैं कि ऑस्टियो कैल्शियम वगैरह लेना स्टार्ट कर दो, 30 के बाद यू नो बोन लॉस हो जाता है इन केस ऑफ फीमेल्स, दैट इज जस्ट बिकॉज इन द डिक्रीमेंट ऑफ एस्ट्रोजन। सो डिक्रीज लेवल ऑफ जो एस्ट्रोजन है उसकी वजह से आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बोन्स इज लेस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द कैल्शियम सॉल्ट्स गॉट, और वी कैन से द बोन्स गॉट डीकैल्सिफाइड। गॉट जो है आपका इन्फ्लेमेशन है आपका जॉइंट्स ड्यू टू द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यानी कि आपके जो यूरेट क्रिस्टल है वो यहां पर बनने लग जाते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द यूरेट क्रिस्टल जब आप किसी जॉइंट को मूव करेंगे तो आपको वो जो छोटे छोटे कांटे हैं जो क्रिस्टल्स यहां पर बने हैं वो बहुत ज्यादा दर्द देने लग जाते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप इसे गॉट बोलते हो। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दिस इज अबाउट द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एंड इट वॉज अ रियली रियली हेक्टिक लेक्चर। आपको मैं बताता हूं हुआ क्या। सो बेसिकली हमारा जो है पूरा का पूरा लेसन शूट हो गया था और एंड के लेसन में मैं माइक कनेक्ट करना भूल गया। ओके, मतलब माइक जो है कनेक्टेड था, कॉलर पे था, लेकिन वो दूसरी जगह से डिसकनेक्ट हो गया ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ रीजंस, और इस वजह से मुझे पूरा का पूरा लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। सो मैंने ये लेक्चर टेक्निकली देखे तो दो बार बनाया है, और इसीलिए आज का लेक्चर दोपहर में ना आकर शाम को आया है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, बिकॉज मैंने अपना वादा पूरा किया ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा कराने का, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट गाइस, तब तक बहुत बढ़िया रिवीजन करो यार, बहुत बढ़िया पढ़ाई करो। कोई रिक्वेस्ट हो, कोई वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं हर कॉमेंट को पढ़ता हूँ, हर कॉमेंट को लाइक लव करता हूँ, जिससे कि मतलब देखो यार रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज हज़ारों कॉमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखता ज़रूर हूँ, कंसिडरेशन में ज़रूर लेता हूँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हम कंसिडरेशन में लेंगे तभी हम लोग एक्शन ले पाएंगे। सो कंसिडर करता हूँ यार, तो प्लीज़ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों प्लीज़ जस्ट मेक श्योर कि यू कॉमेंट बिलो, कॉमेंट डाउन, सो दैट आई कैन हैव अ लुक ऑन दैट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंड विल कैरी फॉरवर्ड। अभी देखते हैं मैं क्या बनाता हूँ। मेरा मन जो है वो है फिलहाल टिश्यूज़ का, बिकॉज टिश्यूज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ चुके हैं, साथ साथ टिश्यूज़ हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। टिश्यू इज़ अ स्मॉल चैप्टर, और साथ साथ कर लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के जस्ट कंटिन्यूएशन में हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। सो एक बार बीच में ये एक दो चीज़ें कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड, आफ्टर दैट हम लोग जो है फिर प्लांट फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंसिडर कर लेंगे, एंड देन उसके बाद 12th आई थिंक मैं एक हफ्ता लूंगा और उसमें मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।